ओके डियस फ्रेंड्स टूडे इज सैटरडे तो हम लोग एक बार फिर दूसरे के समक्ष उपस्थित हैं और आज का इंटरेस्टिंग लेक्चर है वर्ल्ड वॉर्स यह बहुत ही हाई डिमांड में टॉपिक रहा है बच्चों के लगातार मैसेज आते रहे हालांकि बच्चे मैंने पहले ही आप लोगों से थोड़ी सी क्षमा मांगी है वी आर जस्ट सीकिंग पार्डन कि वी आर अनएबल टू रिप्लाई योर क्वेरीज़ नॉर्मली तो मैं आपको एकेडमिकली बहुत सारी चीज़ों को रिप्लाई तो नहीं कर पाता हूं लेकिन चाहता हूं कि इसी डिस्कशन के दरमियान आपकी जो क्यूरसिटी हो वो सेटिस्फाई हो बट एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर की स्लाइटली आई विल ट्राई टू बी बाइलिंग वन स्लाइटली एंड इवन दिस पी पी टी इज कैरियंग बोथ मीडियम साइमटेनियसली हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम पी डी एफ फॉर्म में आपको अवेलेबल होगा जो जिस मीडियम के हैं आप अपने काम की चीजें इसे निकाल लीजिए अब मैं सीधा टॉपिक पर आता हूं वर्ल्ड वॉर सिविलाल क्राइसिस ऑफ वेस्ट उससे पहले मैं थोड़ा सा एक छोटा सा अनाउंसमेंट करता हूं जो कमिंग सैटरडे होगा उस सैटरडे को मैं अनुपस्थित रहूंगा आई विल बी एबसेंट ऑन कमिंग सैटरडे यू हैव टू मेक एन एडजस्टमेंट उसके बाद जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा उसमें मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ लास्ट में भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे अब एक बात गौर करना आप लोगों की तरफ से डिमांड आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बताएं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताएं लेकिन आप हमारे थीम का चयन देखिए जस्ट ट्राई टू गिव फोकस ओवर द सिलेक्शन ऑफ आवर थीम व्हाट इज आवर थीम वर्ल्ड वॉर सिविलेशनल क्राइसिस ऑफ वेस्ट मतलब हम विश्व युद्ध को अलग अलग लेकर ही नहीं चल रहे हैं। जो विश्व युद्ध को अलग अलग लेकर चलते हैं वह विश्व युद्ध के केवल एक पक्ष को जानते हैं जो वर्ल्ड वॉर को एक इंटीग्रेटिव वॉर के रूप में लेकर चलता है खैर मैं उस पर बाद में आऊंगा फिलहाल मैं एक चीज आपको बताऊ की एक कहावत आपने सुनी होगी विल बिगन हाफ डन जब आप किसी टॉपिक को आरम्भ करते हो तो उस टॉपिक के थीम को समझते हो तो आपका फिफ्टी परसेंट आंसर वहीं मिल जाता है वर्ल्ड वॉर सिविलाइजेशनल क्राइसिस ऑफ वेस्ट जिस पश्चिमी सभ्यता ने जिस वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने दुनिया को प्रजातंत्र उदारवाद राष्ट्रवाद और समाजवाद जैसी विचारधारा दी जिसने अमृत दिया उसने वर्ल्ड वॉर क्यों दिया विश्व क्यों दिया

जब इवॉल्व किया तो उसने एक तरफ डेमोक्रेसी नेशनलिज्म सेक्युलरिज्म सोशलिज्म जैसे महत्वपूर्ण विचारधारा दी जिसके लिए दुनिया ऋणी है लेकिन उसने वर्ल्ड वॉर भी दिए तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वर्ल्ड वॉर की जड़ वेस्टर्न सिविलाइजेशन के रूट में नहीं थे पीछे भी मैं जब आपको लेक्चर देता रहा हूं तो मैं इस चीज पर ध्यान दिया है कि आपको एक समग्रता से पूरी पिक्चर मिले जब बच्चों ने डिमांड किया होगा वर्ल्ड वॉर के विषय में कि वर्ल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताइए तो यही सोच रहे होंगे कि सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण बता दें प्रभाव बता दें महत्व बता दें लेकिन बच्चों मैं कैसे बताऊं कि इन सब बताने के बाद भी आप वर्ल्ड वॉर से इग्नोरेंट रहोगे और कम से कम जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके यूपीएससी और स्टेट सर्विस में आते हैं उनको तो सॉल्व नहीं कर पाओगे मैं एक उदाहरण बताता हूं देखिए सबसे पहले हम लेते हैं युद्ध शब्द का वी टू पुट अ क्वेश्चन मार्क टू द वेरासिटी और द रिलीवेंस ऑफ द टर्म वर्ल्ड वॉर भाई वर्ल्ड वॉर वर काहे को आप कुछ यूरोपियन नेशंस ने अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए अपने स्वार्थ के लिए एक वॉर लाया और उस वॉर ने आपके यूरोप को तो किया लेकिन दुनिया के अन्य क्षेत्रों को भी इंपैक्टेड किया बेचारे पुअर कॉलोनी जिसको आप एक्सप्वाइट करते रहे उनको भी वर्ल्ड वॉर में पार्टी बना दिया इंडिया और चाइना जैसे देश आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते रहे और आपने उसका नाम वर्ल्ड वॉर दिया हम कहां थे वहां वॉट वॉज द रोल ऑफ अदर कॉन्टिनें इन द वर्ल्ड वॉर सिंपली दे आर जस्ट वर्किंग ऑफ द पॉन्स इन टू देंड ऑफ दावर देशों के मोहरे के रूप में काम कर रहे थे इसके अतिरिक्त तो हम नहीं समझते वर्ल्ड वॉर में तो इट मीन्स कि इन ऑर्डर टू लेटी माइज योर पोजिशन यू हैव कॉन्सली चोजन द टर्म वर्ल्ड वॉर आपने अपने इस युद्ध सेल्फिश इंटरेस्ट को वैधता दिलाने के लिए ये कर सकते हो अपने इस आ, स्वार्थी हित को कहीं ना कहीं पहचान दिलवाने के लिए आपने विश्व युद्ध शब्द का प्रयोग किया अदरवाइज इसका कोई दूसरा मोटिव नहीं था खैर चलिए जब एक बच्चा प्रिपरेशन करता है या शुरू करता है नहीं शुरू करने में तो खैर इतना तक नहीं पहुंच पाएंगे जो बच्चे नॉर्मली यूपीएससी और स्टेट सर्विसेस की तैयारी करते हैं या जिन बच्चों ने हमें वर्ल्ड वॉर कवर करने के लिए डिमांड किया है वो हमसे यही एक्सपेक्ट कर रहे रहेंगे जो मैंने पॉइंट सामने आपके रखे हैं कि एक वर्ल्ड वॉर की तैयारी करने वाला बच्चा पहले एक पेन पेपर उठाएगा टाइटल देगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और फिर उसके कारणों की पड़ताल करेगा और कारणों की पड़ताल कहां से शुरू करेगा तो सीधा ऊपर से जर्मनी के यूनिफिकेशन से शुरू करेगा तो पहला पॉइंट यहां पर मैंने डाला है देखो सामान्य कारण सामान्य का मतलब है कि एक बच्चे को इस सामान्य कारण पर जरूर आना चाहिए यह भी जानना चाहिए कैसे जानना चाहिए मैं बताना चाहूंगा यहां पर द फर्स्ट वन फैक्टर एज द आई जर्मनी का एकीकरण फ्रैंकफर्ट की संधि एवं फ्रांस का अपमानित होना जर्मनी का एकीकरण फ्रैंकफर्ट की संधि और फ्रांस का अपमानित होना यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड एंडेशन ऑफ फ्रांस जब आप जर्मनी का एकीकरण पर हो गए जर्मनी का एकीकरण फ्रांस के मान मर्दन पर हुआ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कु एट द कॉस्ट ऑफ फ्रांस एट द हिमिलेशन ऑफ फ्रांस एक वॉर हुआ था जिसका नाम है बैटल ऑफ सेडान वो बैटल ऑफ सेडान में प्रशा ने उस समय देखो जर्मनी नहीं हुआ करता था उस समय प्रशा तो हाँ जर्मनी हुआ करता था लेकिन वो वो पूरे जर्मन क्षेत्र के फोर्टी परसेंट पार्ट में एक पावरफुल कंट्री हुआ करता था जिसका नाम था प्रशा लेटर प्रशा लेट द यूनिफिकेशन और वही प्रशा ने उस जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किया और फिर प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी यूनिफाई हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रशा लेकिन इसके लिए जो प्रशा का चांसलर बिस्मार्क था उसको वैसे तीन वार्ड लड़ने पड़े लेकिन दो वार्ड बड़े इंपॉर्टेंट थे एक सेडोवा का वार्ड लड़ना पड़ा था जो सेडोवा के वार्ड में उसने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया था एंड इट इज ऑनली आफ्टर द डिफीट ऑफ ऑस्ट्रिया द नॉर्दर्न जर्मन स्टेट्स कुड बी यूनिफाइड विद प्रशा जब उसने सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित किया 1866 में तब जाकर उत्तरी जर्मन राज्यों का विलय कहीं ना कहीं प्रशा के साथ हुआ और फिर उसने सेकेंड वॉर 1870 में लड़ा दैट वाज कॉल्ड और दैट इज करेक्टराइज एट द बैटल ऑफ सेडान तो उस सेडान के युद्ध में जो दक्षिणी जर्मन राज्य थे वो भी यूनिफाई हो गए ओके okay? तो यूनिफिकेशन पूरा हुआ अब फ्रांस पहले पावर हुआ करता था सेडान के युद्ध से पहले और फ्रांस का इंपेयर हुआ करता था लुई नेपोलियन थर्ड लुई नेपोलियन तृतीय उसको आप यूरोप के बॉस के रूप में देख सकते हैं मैंने उस समय यू कैन नॉट इमेजिन कि इवन अ सिंगल वन डिसीजन कुड हैव बीन टेकन विदाउट द अप्रूवल ऑफ लुइस नेपोलियन द थर्ड उसके बिना अनुमोदन के पत्ता तक नहीं हिलता था ही वॉज द पैरामाउंट पावर इन यूरोप लेकिन जब सेडान का युद्ध हुआ तो पुराने दादा हट गए एक नए दादा यूरोप में आ गए वो जर्मनी था खैर एनीवे उसके बाद 1871 में जर्मनी ने फ्रांस पर वही फ्रैंकफर्ट की ट्रीटी थोपी उसके साथ एक तरफ तो जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया दूसरी तरफ फ्रांस को अपना दो रीजन दिस रीजन दिस रीजन आर नोन एज एल्स एंड लोरेन वह कहीं ना कहीं कही उसे फ्रांस के हाथों गवा देना पड़ा तो सॉरी जर्मनी के हाथों गवा देना पड़ा तो इस प्रकार से आप देखते हो कि यूनिफिकेशन हुआ तो उसमें फ्रांस इतना अपमानित हुआ कि वो प्रतिशोध की आग में जल रहा था फ्रांस वॉज सीकिंग द रिटेलिएशन फ्रॉम जर्मनी सो इट वॉज द केस तो इसलिए दूसरा पॉइंट हमने दिया कि जर्मन चांसलर बिस्मार्क के द्वारा फ्रांस की अलग थलग करने हेतु गुटबंदी को प्रोत्साहन अब जर्मन चांसलर बिस्मार्क है उसने देखा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अगर हम फ्रांस को अलग थलग नहीं कर देते हैं तो फिर फ्रांस जर्मनी से उस अपमान का बदला लेगा और फिर जर्मनी को लूज करना पड़ेगा फ्रांस कैन सीक रिटेलिएशन फ्रॉम जर्मनी सो द बेटर स्ट्रेटेजी इज टू आइसोलेट फ्रांस इन यूरोपियन पॉलिटिक्स तो उसकी रणनीति यही थी तो उसने क्या किया कि गुटबंदी शुरू की पहले जर्मनी ऑस्ट्रिया का द्विगुट बनाया और फिर उसमें 1882 में इटली को शामिल करके त्रिगुट बना लिया दैट इज कॉल्ड ट्रिपल एलायंस ही क्रिएटेड ट्रिपल एलायंस कंसिस्टिंग ऑफ जर्मनी ऑस्ट्रिया एंड इटली तो अब ये अलायंस बन गया तो उधर रिएक्शन उधर भी शुरू हुआ उसने चाहा था कि फ्रांस को मैं अलग थलग कर दूं अगर आप इंटरनल पॉलिटिक्स में जाओगे तो 1890 में जर्मन चांसलर के पद से बिस्मार्क को रिजाइन करना पड़ा क्योंकि एक नया रूलर विलियम कैसर आया था वह कहीं भी बिस्मार्क को तरजीह देने के लिए तैयार नहीं था बिस्मार्क आफ्टर ऑल टू मेक अ डिपार्चर फ्रॉम जर्मनी और फिर उसका पूरा स्कीम बिगड़ गया और उसके बदले उधर भी एक गुड फ्रांस ने बना लिया वो एक उसको कहलाया ट्रिपल इंटेंट एंड इन दिस ट्रिपल इंटेंट कंसिस्टेड ऑफ फ्रांस ब्रिटेन एंड रशिया तो उधर तीन पावर बन गए फ्रांस ब्रिटेन और रशिया मिलकर ये तीनों ने मिलकर एक ट्रिपल इंटेंट बना लिया तो दो गुट बन गए तो वही पॉइंट नंबर टू में हमने आपको दो गुट दिया अब पॉइंट नंबर थर्ड में आप आएंगे तो देखेंगे बीसवीं सदी के आरंभ में दो गुटों का निर्माण अप टू द बिगिनिंग ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी द क्रिएशन ऑफ अ ट्रिपल एलायंस एंड ट्रिपल इंटेंट वही मतलब ये जो ट्रिपल इंटेंट बना था 1907 में बना था 1907 में तो इस तरह से आप देखते हो कि एक पूरा डिप्लोमेटिक रेवोल्यूशन हो गया था दो मिलिट्री गुड्स ब्लॉक्स बन गए थे एक जर्मनी के हेडशिप में दूसरा फ्रांस अब दोनों के बीच हथियारों की हो और आरंभ रहा बिगिनिंग ऑफ एन आर्म रेस बिटवीन द टू ब्लॉक्स जब अब दोनों गुट हैं तो दोनों चाहेंगे हम एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर अपने आप को प्रदर्शित करें

ओवर टुक ब्रिटेन इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन तो अब क्या था कि सारा मार्केट तो ब्रिटेन ने कब जा करके बैठा हुआ है तो जर्मनी एक न्यू इंट्रेंड था इस मार्केट में तो उसको मार्केट चाहिए था तो ब्रिटेन और जर्मनी के बीच राइवर्ली शुरू हो रही थी ऑस्ट्रिया तथा रूस समर्थित सर्विया के बीच प्रतिस्पर्धा एंड ऑन द अदर हैंड द नेक्स्ट पॉइंट रायवर्ली बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड सर्विया एंड प्रोटेजी ऑफ रशिया प्रोटेजी मैं इसलिए बता रहा हूं सर्बिया को कि सर्बिया रशिया का शिष्य था और रशिया ने सर्बिया को बहकाया हुआ तो ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में तो उन दोनों की भी जो राइवरी शुरू हुई वो सिराजेबो मैसेकर एक घटना आप सुनते हो वो सिराजेबो मैसेकर में वो घटना प्रतिफलित हो गई एंड सीराजेबो मैसेकर जिसमें ऑस्ट्रिया का एक राजकुमार था फर्डिनेड उसकी हत्या हुई और वही इमीडिएट कॉज बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का तो एक फैक्टर के रूप में लोग इसे लेते हैं नेक्स्ट वन कूटनीतिक प्रक्रिया का अवरुद्ध होना ब्रेक डाउन ऑफ डिप्लोमेटिक प्रोसेस जैसे जब आर्थिक का मैसेकर हुआ तो नॉर्मली क्या होता है कि इस तरह की जो कोई इंटरनेशनल क्राइसिस आता था तो उसको लोग आपस में मिल बैठ के कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज उसका निपटारा कर लेते थे और वॉर के सिचुएशन को एवर्ट कर देते थे जब तक बिस्मार्क था तब तक उसने कोशिश की थी इसलिए यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि नेपोलिनिक वॉर के बाद एक ही वॉर हुआ क्रीमियन वॉर और फिर क्रीमियन वॉर के बाद अगर तुम देखोगे तो यूरोप से बाहर जो भी वॉर हुए हों परंतु यूरोप के अंदर एक वॉर हुई जिसको कहते हो बालकन वॉर और फिर बालकन वॉर के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो अब यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता कि देखिए ये जो आप चीजें को देख रहे हो कूटनीतिक प्रक्रिया का अवरोध होना उसको एक फैक्टर के रूप में लिया जाता है तो बच्चों हमने कितने कॉजेज आपके साथ गिनाए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के सेवन कॉजेज मैंने बता दिए अब मैं यही अगर डिटेलिंग करके आपसे चला जाऊं तो आप लिखेंगे वाह गुरुजी आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया लेकिन मैं जानूंगा कि गुरुजी ने बहुत कम पढ़ाया दैट इज अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग यही समस्या यूपीएससी में है जो मैं आपको बताना चाहता हूं अब ये इतनी पॉइंट्स जानने के बाद आप क्या इन प्रश्न को हल कर पाओगे जो एग्जाम हॉल में आया है और अगर इन प्रश्नों को हल नहीं कर पाओगे तो प्लीज आप मत पूछिए सर क्वेश्चन का आंसर कैसे किया जाता है पहले आप हमसे यह पूछिए सर नॉलेज कैसे गेन किया जाता है हाउ टू गेन नॉलेज देन यू हैव टू पोथ द सेकेंड वन क्वेश्चन की हाउ टू सिस्टमेटाइज द नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ द आंसर आंसर क्वेश्चन आंसर का स्टेज है एक अच्छी क्वेश्चन राइटिंग का बहुत बड़ा फायदा है लेकिन वह क्वेश्चन राइटिंग वही सीख पाएगा जिसके पास सिस्टमेटिक नॉलेज हो अब हमारे बच्चे हैं अभी एनसीआरटी पर बहुत सारे बच्चे होते हैं फिर एनसीआर टी से ऊपर आते हैं तो बस एक मिडल टाइप के एक या दो बुक पढ़ लिया तो उसके बाद वो क्वेश्चन पर आते हैं उस तो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड की तैयारी नहीं हो पाती है और जब उसका सिलेक्शन बाधा उपस्थित होती है तो आज तक लोग समझ नहीं पा रहे यक्ष प्रश्न की तरह एक दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है देखिए मैं एक एक क्वेश्चन उठाता हूं एक क्वेश्चन ये यूपीएससी ये सब यूपीएससी का और एक स्टेट सर्विस का क्वेश्चन है एक दो क्वेश्चन तो चुकी स्टेट सर्विसेज में यूपीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं अगर हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन रहे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बताइए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का प्रभाव बताइए तो मतलब थ्रो लाइट ऑन द कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थ्रो लाइट ऑन द इंपैक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तब तो वो डेटा को हम किसी तरह से यूज कर लेंगे लेकिन अगर क्वेश्चन का टाइप ऐसे रहेंगे तो फिर हम उस उस पढ़ाई पर नहीं लिख पाएंगे हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज की पढ़ाई है बेसिक और कैसे पढ़ा जाए वो भी मैं बताता हूं जैसे इस क्वेश्चन को देखिए 1914 तक पहुंचते पहुंचते यूरोप का रोगग्रस्त व्यक्ति केवल तुर्की नहीं रह गया था वह तो स्वयं यूरोप ही था स्पष्ट कीजिए बाय 1914 द सिक मैन ऑफ यूरोप वॉज नो लॉन्गर जस्ट टर्की इट वॉज यूरप इल्फ एक्सप्लेन वो आपसे पूछ रहा है कि देखो भाई 1914, सौ चौदह उन्नीस सौ चौदह ट्वेंटी एट जुलाई नाइनटीन फोर्टीन को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था उन्नीस नाइनटीन फोर्टीन इज हेयर सिंबोलाइजिंग द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो आपसे यह पूछ रहा है कि भाई 1914 तक केवल तुर्की ही नहीं तुर्की को सिख मैन ऑफ़ यूरोप कहा जाता था और क्यों सिख मैन ऑफ यूरोप कहा जाता था आई विस्कस विथ यू तो 1914 तक केवल तुर्की ही नहीं, नहीं तो स्वयं यूरोप ही था यूरोप के लगभग सारे देश रोगग्रस्त हो चुके थे अब एग्जाम हॉल में बच्चे ना उसको कारण के आधार पर लिख सकता ना फ्रॉ के आधार पर लिख सकता और जब वो सोचना शुरू करेगा तो देन अ टाइम विल कम ही हिमसेल्फ विल रियलाइज कि ओ इफ आई जस्ट थिंक ओवर दिस पॉइंट माई सेल्फ वुड बी अन ऑफ दिस क्लासरूम और दिस हॉल अगर मैं ज्यादा इस पर सोचा तो मैं खुद ही रोगग्रस्त हो जाऊंगा तो अब इस क्वेश्चन को केवल कारण परिणाम के आधार पर नहीं ला सकता। एक क्वेश्चन पूछा था टू थाउजेंड सेवन या एट में पूछा था बहुत पहले ही कि सेडान का युद्ध के साथ यूरोप में एक स्वामी को खो दिया वहीं एक दूसरे स्वामी को प्राप्त कर लिया टिप्पणी कीजिए विद द बैटल ऑफ सेडान यूरोप लॉस्ट यूरोप लॉस्ट अस एंड गॉट अ मास्टर अब लॉस्ट मिस्ट्रेस एंड गॉट अ मास्टर फ्रांस को मिस्ट्रेस बोलता है और जर्मनी को मास्टर क्योंकि बाकी जो कंट्रीज है अपने को मदरलैंड कहते हैं हम भी इंडिया मदरलैंड और जर्मन लोग अपने को फादरलैंड कहते हैं तो मिस्ट्रेस को लॉस्ट किया और मास्टर को पाया अब ये क्वेश्चन है यह कहना कहां तक सही है कि प्रथम युद्ध आवश्यक रूप से शक्ति संतुलन के संरक्षण के लिए लड़ा गया था हाउ फार इज इट करेक्ट टू से दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट इसलि फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर मतलब यह कहना कहां तक उचित है कि प्रथम बीजू शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए लड़ा गया था अब बहुत सारे बच्चे को कहोगे सर यह शक्ति संतुलन क्या है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो बच्चे बाद में पहले यूरोप को आप जानते हो कि नहीं अगर आप यूरोप को जानते हो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर सबके क्वजेज को समझना और स्टैंडर्ड आंसर लिखना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा नेक्स्ट वन जिस पूंजीवाद ने यूरोपीय साम्राज्य को उनकी आभासी एकता और अस्थायित्व प्रदान किया था उसी पूंजीवाद ने उसी पूंजीवाद में उनके पतन की गति भी तेज कर दी तो उसी पूंजीवाद ने उनके पतन की गति भी तेज कर दी द कैपिटलिज्म द वे फॉर यूरोपियन देयर अपेरेंट कैपिटलिज्मी एंड परमानेंस देयर डाउनफॉल मतलब जो पूंजीवाद ने यूरोप को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया था वही पूंजीवाद ने यूरोप का विध्वंस कर दिया ये 2009 में यूपीएससी ने पूछा था आज से कितने वर्ष पहले 11 वर्ष पहले मतलब यूपीएससी हमेशा से स्मार्ट रहा है और अब स्टेट सर्विसेज को भी स्मार्ट बना दिया प्रथम युद्ध के फूट पड़ने के लिए किसी भी एक स्पष्टीकरण के अति सरल होने की संभावना है कारकों बौद्धिक सामाजिक आर्थिक और इसके साथ साथ राजनीतिक और राजनयिक के समिश्रण ने अति विशाल आयामों के इस डरावने युद्ध में योगदान दिया था स्पष्ट कीजिए एनी सिंगल एक्सप्लेनेशन फॉर द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज लाइकली टू बी टू सिंपल एंड फैक्टर्स इंटेलेक्चुअल सोशल इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस हॉरिफाइंग कंफ्लिक्ट ऑफ मॉन्यूमेंटल प्रोपर्शन एक्सप्लेन अब ये जो क्वेश्चन है इसमें सारे कारण दिए हैं तो कहोगे तो मैं तो कारण के आधार पे इसको लिख दूंगा लेकिन इसमें आपको दिक्कत कहां, कहां है मैं बताता हूं बाकी राजनीतिक भी लिख दोगे सामाजिक भी लिख सकते हो आर्थिक भी लिख सकते हो और यहाँ पर बौद्धिक कारक नहीं लिख सकते हो इंटेलेक्चुअल फैक्टर कैसे आप फर्स्ट वर्ल्ड वार्ड में थोड़ी इसके लिए समझ चाहिए होगी तो बच्चों कुल मिलाकर हम जो हमने भी जो फाइव टू सिक्स क्वेश्चंस दिए उसमें बच्चे ट्रेडिशनल जो सामान्य कारण के आधार पर इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं बाकी क्वेश्चन को लिखने में अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी इस क्वेश्चन को भी आधा ही लिख सकते हैं क्योंकि बौद्धिक कारक या इंटेलेक्चुअल फैक्टर दे कैन नॉट राइट तो बच्चों ये इसलिए इसलिए जब तुम कहोगे कि सर जब आप लोग जब लेक्चर सुनोगे और कहोगे कि सर आपने वो फैक्टर मैं बता दूंगा कि सर बहुत बढ़िया गुरु ने पढ़ाया गुरु नहीं तो हम कहेंगे भाई गुरुजी ने बहुत बढ़िया नहीं पढ़ाया गुरुजी ने बुक से पॉइंट निकाल कर हाँ सेवा जरूर की क्योंकि आपको बुक्स पढ़ने पर भी नहीं दिखेगा उसमें अगर कोई छह सात पॉइंट्स आपके सामने ला देता है तो सर्विस है लेकिन गुरुजी का रोल इसके बाद जाता है ऊपर जो इस स्टैंडर्ड पर बच्चों को लाए अब बच्चे पीछे खींचेंगे मैं इस स्टैंडर्ड पर नहीं आना चाहता तो मैं एक ही बात कहूंगा कि फिर इस रास्ता को छोड़ के कोई दूसरे रास्ते को अपनाने की बात हम लोग सोचें क्योंकि क्वेश्चन क्यों आपके सामने है और हमें उसका उत्तर ढूंढना है तो कुछ ना कुछ करना होगा अब बच्चों हमारे आपके बीच एक तरह का रिपोर्ट हो चुका है आप समझ रहे हो मेरे अर्ज को दिस इज पास्ट एंड द प्रेजेंट कम्युनिकेशन सीरीज पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच कम्युनिकेशन रहेगा तो हम इतने इम्पावर्ड रहेंगे कि हिस्ट्री क्या बाकी सेगमेंट्स के भी जनरल स्टडीज में हमारा कॉन्फिडेंस बना रहेगा तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस फॉर्मूला को आप लोग आत्मसात करिए और इट इज फ्रॉम आई बॉटम ऑफ हार्ट कहीं कहीं पर कबीर दास की तरह थोड़ा भी मुझे मुझे भी फ्रेंक होना होता है. So, और मैंने कहा कि मैं सिंगल हैंडेडली प्रयास करता रहूंगा और लास्ट तक जहां तक मैं कर सकता हूं करता रहूंगा कि आप लोगों का एक खास स्तर हो जाए अब बच्चों हम कहते हैं कि फिर हमें क्या करना चाहिए तो मैं चाहता हूं कि एक बच्चे अगर दुनिया के सारे महाद्वीपों के मानचित्र धीरे धीरे बनाते हुए ये मैं केवल ऑप्शनल के लिए नहीं कर रहा हूँ जो बच्चे जीएस के लिए पढ़ते हैं क्योंकि जब तक आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग अगर होती है तो बाकी विषयों में भी आपका रास्ता खुल जाता है तो मैं एक रफ मैप एग्जैक्ट मैप तो यूरोप का नहीं खींच सकता वैसे भी मैं आपसे एक एक और भी क्षमा चाहूँगा कि मेरा पेंटिंग साइड बचपन से ही थोड़ा सा तो ड्रॉइंग में मैं बहुत सिद्धस्त नहीं हो पाता हूँ लेकिन हाँ मैं आपको एक रफ आइडिया हाँ चूंकि मेरे दिमाग पूरे वर्ल्ड में कहाँ कौन सा रीजन है वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने के समय जब मैं बोल रहा होता हूं तो मेरे दिमाग में उसका जोग्राफिकल लोकेशन होता है तो जियोग्राफिकल लोकेशन भी अगर थोड़ा सा दिमाग में होता है तो कॉन्फिडेंस आता है ये मैं केवल उन बच्चों के लिए नहीं आप हिस्ट्री पढ़ते हो जोग्राफी पढ़ते हो तो एक धीरे धीरे एक स्वाभाविक जिज्ञासा पैदा करो कि हम थोड़ा सा मैप की तरफ भी देखें तो आप अगर यूरोप में देखना शुरू करोगे तो आप देखोगे देखो भाई ये जो रीजन है ये लगभग ये आपका ब्रिटेन का रीजन आता है चलो ब्रिटेन यहाँ हो गया यहाँ पर आप देखते हो कि चलो नॉर्वे है ये स्वीडन आ गया और इसी के नीचे में डेनमार्क आ गया अब यहाँ से जर्मनी शुरू होता है और जो जर्मनी इधर प्रशिया भी जाता है और ये जर्मनी का रीजन आता और ये जर्मनी का रीजन आता है इसके बाद आप देखते हो तो इस तरफ देखोगे तो अब यहीं पर आपको फ्रांस दिखेगा लेकिन फ्रांस डायरेक्ट आपको आएगा उससे पहले आपको कुछ रीजन आएगा ये फ्रांस जर्मनी कहीं पड़ोसी है तो यहाँ पर आपको दिखेगा जैसे एक नीदरलैंड या हॉलैंड दिखेगा उसके नीचे बेल्जियम दिखेगा उसके नीचे छोटा सा लगजमबर्ग दिखेगा ये जो तुम देख रहे हो ये इंग्लिश चैनल है, ये बेल्जियम है, ओके okay? और इसके बाद जब इसमें जाओगे थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ जाओगे तो आपको स्पेन दिखेगा एस्पेन दिखेगा और के जस्ट बगल में पुर्तगाल दिखेगा तो आपको दिख गया अब ये अगर जर्मनी है तो प्रशा पहले प्रशा था जो जर्मनी में घुल मिल गया इसके बगल में आपको पोलैंड दिखेगा वो दिखेगा और इधर पूरा आप मान लो हमारे पास स्पेस नहीं है तो मान लो ये आपको रशिया दिख रहा है ये रशिया दिख रहा है ओके और और इधर थोड़ा सा फ्रांस और थोड़ा सा सा फ्रांस जर्मनी के नीचे से निकाल लो इटली को इटली को और इटली के ऊपर थोड़ा सा यहां पर स्विट्जरलैंड को रखो है ना तो इटली को तुमने निकाल लिया और फिर यही है अब यहां पर जैसे तुमने जर्मनी को लिया तो पहले यहां पर एक ऑस्ट्रियाई साम्राज्य हुआ करता था ये बड़ा सा साम्राज्य ऑस्ट्रियाई साम्राज्य यहां हुआ करता था और ये जो तुम देख रहे हो हमारे पास स्पेस कम है ये ये टर्की है तो टर्की में यहां पर हम मान के चलते हैं जो ऑटोमन साम्राज्य इसी को बोलते हैं ऑटोमन साम्राज्य पुरातन और इसको हम मान के चलते हैं कि चलो ये ब्लैक सी है काला सागर है और काला सागर से ही यहां पर निकलता है यहां पर आपको दिख जाता है अल्बानिया और अल्बानिया के ऊपर दिख जाता है रोमानिया आपको ऑस्ट्रियाई साम्राज्य है और फिर इसके नीचे जैसे तुम देखोगे तो यहां पर सॉरी अल्बानिया नहीं बुलगारिया सॉरी यहाँ पर है बुल्गानी बुलगारिया और बुलगारिया के ऊपर रोमानिया यहां पर आप देखोगे तो इस जगह पर आ जाता था कहीं ना कहीं रोमानिया है बगल में उसका सर्विया है और यहाँ अल्वानिया है और उसके नीचे जाओगे तो ग्रीस है थोड़ा स्पेस कम हो रहा है इसलिए एक टेंटेटिव मैं आपको एरिया बता दे रहा हूँ आप चला जाना कोई भी मैप पर और आप उसको खुद से ही ड्रॉ कर लेना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं मैं जस्ट एक उदाहरण बता रहा हूँ यूरोप का कॉन्फिग्रेशन है सबसे बड़ी समस्या क्या है जो जर्मनी है वो छोटे छोटे राज्यों में एक प्रशा को देखोगे तो प्रशा एक पावरफुल स्टेट था जो 40 परसेंट रीजन में था नहीं तो बाकी उत्तर और दक्षिण में जर्मनी छोटे छोटे राज्य थे लेकिन अगर जर्मनी यूनिफाई हो जाता तो जर्मनी का एक बहुत पावरफुल जर्मनी एक बहुत पावरफुल देश बन जाता और जर्मनी अगर पावरफुल देश बन जाता तो फिर यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ जाता तो आपको फिर यह पता होना चाहिए कि हु इज गोइंग टू बी एस्क्योर्ड अबाउट डिस्टर्बिंग इन द बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप कौन सा ऐसा है जो यूरोप में जो बैलेंस ऑफ पावर है शक्ति का संतुलन है उसको बिगड़ने से भयभीत है उसकी चर्चा करेंगे तो पहले आपको पहला काम करना है यूरोप का एक मैप बनाना है अब बच्चों अब कहते हो एनसीईआरटी बुक मुझे तो एनसीईआरटी बुक्स भी बहुत स्टैंडर्ड लगता है क्योंकि मुझे एनसीईआरटी बुक पढ़ने से भी ज़्यादा उपयुक्त लगता है कि पहले सिलेबस में एक टॉपिक बना लो और उनको काल क्रमानुसार टॉपिक बना लो और टॉपिक बना के चाहे जिस सोर्स से ही पढ़ना चाहते हो उस के बारे में एक बेसिक आइडिया ले लो कि हां कैसे कैसे चेंज हो रहा है बिकॉज वंस यू आर गोइंग टू अंडरलाइन द चेंज तो आगे के टॉपिक से आपका रिलेशन सीधा जुड़ जाता है अब जैसे ये काम हमने कर लिया तो उसके बाद हम फिर पसंद करते कि आपका सिलेबस में जो टॉपिक है उस टॉपिक पर आओ तो देन यू विल कम टू द फर्स्ट टॉपिक इनलाइटेनमेंट जिसको प्रबोधन कहते हो तो अठारहवीं सदी में प्रबोधन और फिर अन्य देशों में प्रबोधन का विस्तार उसी में रूसो वगैरह आपको पढ़ना है फिर उसके नीचे आते हो तो अमेरिकन रेवोल्यूशन अमेरिकी क्रांति और अमेरिकी क्रोनोलॉजी वाइज कह रहा हूं। और उसके बाद फ्रांस की क्रांति फ्रेंच और फ्रेंच और के बाद सेंचुरी में द स्प्रेड ऑफ लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म इन यूरोप लिबरलिज्मी सदी में उदारवाद और राष्ट्रवाद का प्रसार उसके बाद वहां तक तुम चले आए तो फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली जर्मनी और इटली का एकीकरण तथा पुराने साम्राज्यों का विघटन तो पुराने साम्राज्यों के विघटन में आपको डिस इंटीग्रेशन ऑफ द ओल्ड एम्पायर उसमें तीन ओल्ड एम्पायर है ऑटोमन एम्पायर है है और रशियन एम्पायर है तो ये जो अभी अभी मैंने आपको जो मैप बनाया तो उसमें आप देख लोगे जर्मनी को छोड़ो ये आपका है ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया है और ये है रशिया पर ऑटोमन एम्पायर हमारे पास जगह नहीं है बड़ा सा है तो और अगर नीचे जाओगे ये ऑटोमन एम्पायर है इसका दूसरा नाम बच्चे टर्की है अब ये ऑटोमन एम्पायर कौन सा ऑटोमन एम्पायर है तो कभी आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने के क्रम में कुछ तुन का पतन पढ़ा है या नहीं द डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल और मैं चाहूंगा आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है नहीं है उससे मतलब नहीं है हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री का जो एवोल्यूशन हुआ वो आपको जानना ही चाहिए तभी आप वर्ल्ड इकोनॉमी का इंटरनेशनल रिलेशंस का इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का उन सारे एरिया के एवोल्यूशन को डेवलप करके और अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हो तो आप अगर कॉन्स्टेंटिनोपोल का डिक्लाइन देखोगे तो उसके पीछे मुद्दा यही है कि जब इस्लाम का प्रसार हो रहा था तो उसमें तुर्कों की एक शाखा थी क्योंकि इस्लाम में तो पहले तुम जानते हो कि फॉलोअर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद वेयर हु दे वे बेसिकली अरबियन पीपल द अरब यू कैन से अरबियन ट्राइब्स जो अरब क्षेत्र के जनजातीय लोग हैं उन्होंने पहले इस्लाम कबूल किया फिर इस्लाम का जब प्रसार हुआ तो मध्य एशिया तक भी चला गया पश्चिम एशिया उत्तरी अफ्रीका तो फिर अन्य रेसेस के लोगों ने भी उसे कबूल किया तो उसी में टर्कि लोगों ने भी इस्लाम को कबूल किया था तो उनमें एक ऑटोमन ट्रक्स थे उसने पूर्वी यूरोप में पहले एम्पायर हुआ करता था आपने तो रोमन एम्पायर का नाम सुना होगा तो रोमन एम्पायर का जब स्प्लिट हो गया तो रोमन एम्पायर के स्प्लिट के बाद वो दो पार्ट में बट गया था वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर उसको बीजेंटियन एम्पायर बोलते हैं तो ये जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है उसको पराजित कर दिया ओटोमन ट्रक्स ने पूरे पूर्वी यूरोप के क्षेत्र को उसने जीत लिया पश्चिम एशिया वेस्ट एशिया पर उसका पहले से ही कंट्रोल था नॉर्दर्न अफ्रीका वेस्ट एशिया नॉर्दर्न अफ्रीका और पूरे ईस्टर्न इस इस यूरोप को उसने कंट्रोल करना शुरू किया तो बहुत वास्ट एम्पायर था और उस समय क्रिश्चियन कंट्रीज ऑफ यूरोप कुड नॉट डेयर टू फाइट अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर उस समय जो ऑटोमन जो क्रिश्चियन देश थे वो ऑटोमन एम्पायर से फाइट करने का साहस नहीं रखते थे लेकिन जैसे आप देखोगे आधुनिक काल के आते आते दुनिया में कई ऐसे परंपरागत साम्राज्य थे द ट्रेडिशनल एम्पायर्स उनका डिक्लाइन हुआ उनका पतन हुआ तो उसी प्रकार जिसमें आप कह सकते हो इंडिया में मुगल एम्पायर थे भारत में मुगल साम्राज्य उधर ईरान में सफावी साम्राज्य दैट वाज कॉल्ड सफाविद एम्पायर इधर पूर्वी यूरोप में ऑटोमन साम्राज्य या ऑटोमन एम्पायर इस सब का डिक्लाइन हुआ ऑटोमन साम्राज्य अब यूरोप का मरीज बन चुका है द सिक मैन ऑफ यूरोप क्योंकि बेचारा बीमार है उस बीमार मरीज पर पश्चिमी यूरोप की और मध्य यूरोप के जो शक्तिशाली साम्राज्य हैं वो बार बार उससे कुछ ना कुछ रियायत प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर उसमें बार बार उस पर प्रहार कर रहे हैं उससे कुछ भूभाग छीन रहे हैं तो वही कहलाता है बालकन क्वेश्चन पूर्वी समस्या और वह वर्ल्ड वॉर का एक इमीडिएट फैक्टर होगा लेकिन खैर उस पर आने से पहले मैं इसको परिचय कराता हूं तो आपको पूरे टॉपिक्स को पहले आप एक बार देख जाए तो आप देखते हैं फ्रेंच एवोल्यूशन के बाद नेशनलिज्म लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म का किस प्रकार से बाकी देशों में सॉरी तो पुराने साम्राज्यों पर राष्ट्रवाद का प्रभाव हुआ नेशनलिज्म का इम्पैक्ट हुआ फिर आप उससे आगे बढ़ते हो तो आप नेक्स्ट टॉपिक इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन औद्योगिक क्रांति आ जाती है अब औद्योगिक क्रांति पूरे यूरोप को परिवर्तित कर देगी इट वुड स्टार्ट फ्रॉम ब्रिटेन एंड स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप ये ब्रिटेन से आरंभ होगा और यूरोप के बाकी क्षेत्रों में फैल जाएगा तो फिर इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन का एक नेचुरल परिणाम होगा कि पूरी इकोनॉमिक संरचना बदल जाएगी सोशल संरचना बदल जाएगी फिर आप पहले से तो राष्ट्रवाद और उदारवाद जैसी विचारधारा देख रहे हो अब समाजवाद और मार्क्सवाद को पढ़ लो फिर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म को जन्म देगा औद्योगिक क्रांति औद्योगिक पूंजीवाद को जन्म देगा पूंजीवाद साम्राज्यवाद को जन्म देगा फिर अफ्रीका का विभाजन शुरू हो जाएगा एशिया में यूरोपीय शक्तियों की टकराहट शुरू हो जाएगी उधर बाल्कन क्वेश्चन उधर अफ्रीका और एशिया में यूरोपियन पावर्स का कोलाइजन और इधर यूरोप के अंदर जर्मनी और ब्रिटेन का कोलाइजन पहले तो आप देखोगे कि इन दोनों के बीच होता था रशिया और ब्रिटेन के बीच पहले राइ ली थी खैर रशिया से ब्रिटेन की दोस्ती हो गई और फिर अल्टीमेटली जर्मनी और ब्रिटेन के बीच सो so ये सारे फैक्टर्स मिलके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जन्म देते हैं तो आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर पहुंचोगे तो फिर दो वर्ल्ड वॉर्स के बीच यूरोप आपका टॉपिक है जिसमें आपका रशियन रेवोल्यूशन आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है फासिजम का फांसीवादी विचार का उद्भव फम नाजिजम जिसको बोलते हो वो है और तब फिर आपका टॉपिक आता है आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो उसको आप कवर करते हो अब आउटब्रेक ब्रेक ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर के नाइनटीन फोर्टी फाइव के बाद एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हुआ वैसे भी मैं आपको बताता हूं कि आपको जिज्ञासा ये होनी चाहिए कि जो मध्युगिन जो संस्थाएं थी उसको फ्रांस की क्रांति ने तोड़ दिया और फिर नवीन संस्थाएं आधुनिक संस्थाएं यूरोप में बनी जो संस्थाएं आधुनिक संस्थाएं मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस यूरोप में बनी उन मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस को किसने तोड़ दिया तो उसे तोड़ा वर्ल्ड वॉर्स ने तो वर्ल्ड वॉर्स की उस टूटन के बाद और फिर जाकर 1945 में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम हुआ नए नए इंस्टीट्यूशंस बने तो उस वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़ दिया नाइनटीन में ग्लोबलाइजेशन या इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन दुनिया एक नए पथ पर पड़ चल पड़ी जिसका अनुमान पहले से नहीं था अब जो ये इंस्टीट्यूशन तुम लोग इतिहास के जिस मोड़ पर खड़े हो बच्चे जिसका साक्षी हो तुम आने वाली पीढ़ी इस इतिहास का मूल्यांकन करेगी जहां तुम खड़े हो तो मैं ये कहना चाहता कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे एशिया अफ्रीका के देश स्वतंत्र हुए कैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ यूएनओ ने कैसे काम किया डी कैसे हुआ कैसे कोल्ड वॉर आ गया कोल्ड वॉर के राय हाल डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में कैसे शुरू हो गई फिर किस प्रकार से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ नैब नॉन एलाइन मूवमेंट से काउंटर करने की कोशिश की ये सब आपका सिलेबस का पार्ट है और वहाँ से आप आगे बढ़ते हुए जाओगे तो आपको पता चलेगा यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप जिसको कहते हो यूरोप यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी यूरोपियन कम्युनिटी एंड यूरोपियन यूनियन जो बाद में तो यूरोपियन फेडरेशन में अभी हो तो वो आपके टॉपिक का हिस्सा है नेटो वगैरह ऑर्गेनाइजेशन आपके टॉपिक का हिस्सा है और फिर वहीं से शुरू होते हुए आप आते हो तो फिर सोशलिस्ट कंट्रीज और सोवियत रशिया का जो डिस इंटीग्रेशन है वो आपके टॉपिक का हिस्सा है यूनिफोलर वर्ल्ड कैसे बना ये आपके टॉपिक का हिस्सा है तो यहाँ तक तो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री पहुंचा देता है अब बस आपको दो डिकेट्स इंटरनेशनल रिलेशन में और देख लेना है तो मैं आपको ये कहता हूँ कि पहला काम एक बच्चे को करना चाहिए यूरोप का मानचित्र खींचकर विशेषकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दो मानचित्र बनाओ और उसको ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है तो इसको एक कंट्रीज तुमको याद है मैं कहोगे तो भले ही मैं चुस्त रूप से ड्राइंग लेकिन मैं कहीं भी उंगली कहोगे मैं सीधे रख दूंगा देखो ये बेल्जियम है ये तो ये तुम्हारे साथ भी हो जाएगा ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इतना ड्रॉइंग तो तुम बहुत बढ़िया कर सकते हो सामने एक ये हो अगर अच्छे ड्रॉइंग कर लेते हो तो एक सारे कॉन्टिनेंट का बनाकर एक बार दो बार अपने नॉलेज से जैसे अफ्रीकन कॉन्टीनेंट आप फिफ्टी फोर कंट्रीज है तो उतने थोड़ा बनेंगे आप उसको एक एक कॉर्नर बनाना शुरू करो नॉर्थ अफ्रीका साउथ अफ्रीका सेंट्रल अफ्रीका तो इस तरह से उसका भी बन जाएगा लैटिन अमेरिका में तुम देखो सिलाख है थर्टी थ्री कंट्रीज का है कैरेबियन कंट्रीज वगैरह मिला के तो बहुत नंबर है ना तो आप उनको फिर बनाओ इस प्रकार से आप अगर चाहो तो आपको ज्योग्राफी में भी फायदा है हिस्ट्री में भी फायदा है दुनिया को आखिर दुनिया रहेगी तभी तो पॉलिसी रहेगी तो पहले दुनिया को तो हम देखें फिर पॉलिसी को देखेंगे ओके और तब बच्चे जब तुम्हारा टॉपिक सब क्लियर हो जाएगा अब मैं आपको बताता हूं कि विशेष ज्ञान प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की आलोचनात्मक समझ क्रिटिकल व्यू ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अब जब यह आपको ज्ञान हो गया तो फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्रिटिकल व्यू लेना हमारे लिए मुश्किल नहीं अब मैं पहले ही आपको बता रहा हूं बच्चों एन बुक्स पढ़ते वो बिगनिंग का स्टेज है कोई बच्चा आता है एन बुक का सर सर कई बच्चे तो पूछते हैं कि सर सिलेबस कहाँ मिलता है तो मुझे लगता है बहुत लंबी यात्रा है वो ऐसा ही कि बच्चा पैदा हुआ है पिता देख देख के खुश हो रहा है कि एक दिन बच्चा युवा होगा तो मैं इसकी शादी करूँगा तो कुछ वो उसी तरह का अभी माहौल है अभी दूरी है उसमें तो पहले तो सिलेबस खरीदेगा सिलेबस देखेगा सिलेबस पढ़ेगा हम आपको पास्ट एंड द प्रेजेंट सीरीज में इसलिए ये चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे पहुँच नहीं पा रहे या उन बच्चों के लिए है जो अपना फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज को पूरा कर लिया है तो मैं यह लेक्चर आपको एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए सेकेंड स्टेज की चीज बताने के लिए नहीं आया इसके लिए मेरा क्लास है एनसीईआरटी जिसको समझना है ऐप पर जाइए वह मैं एनसीआरटी क्लास भी बच्चों को जो बेसिक है वो देता हूँ फिर रेगुलर क्लास में वो चीज़ कवर करता हूँ लेकिन जब मैं पूरी इंडिया को एड्रेस करने के लिए आ रहा हूँ आपको यूट्यूब पर तो मैं उन बच्चों को कर रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं और उन बच्चों को कर रहा हूँ जो यू में तमाम कोशिश के बावजूद भी उन्हें परेशानी आ रही है और क्वेश्चन के स्तर पर अपने आप को नहीं पहुँचा पा रहे हैं उनको मोटिवेट करना उनमें एक पॉजिटिव सोच की प्रवृत्ति पैदा करना और उन्हें आलोचनात्मक सोच विकसित कराना ताकि खुद तुम्हें उत्साह हो तुम उसको कवर कर सको तो इसीलिए मैं ये चीज लाता हूं तो कोई फ्रेशर बच्चा आता है कहता है गुरु मैंने नहीं समझा तो मुझे, मुझे मुस्कुराहट होती है कि आप कैसे समझोगे मैं समझ रहा हूं आपकी मजबूरी हम आपको केवल इतना मैसेज दे रहा है कि बच्चे तुम यात्रा जहां से भी शुरू करो पहुंचना यहां पड़ेगा अगर इस क्वेश्चन को नहीं तो ये क्वेश्चन पूछना बंद कर यूपीएससी में सिलेक्शन कैसे होगा मतलब इस स्टेज पर आपको आना पड़ेगा आप चारों तरफ से घूम आओ बट यू हैव टू टू अपियर अप दिस स्टेज यात्रा एन की शुरू ठीक है बच्चे जब बड़े होते हैं तो गार्जियनों को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं लेकिन अगर कोई तीस वर्ष का बच्चा या अट्ठाईस वर्ष का बच्चा मैरिज के लिए जा रहा और पिताजी को कहेगी जरा उंगली पकड़ के मुझे पहुंचा दीजिए तो पिताजी रोना शुरू करेंगे तो एक है कि ये उंगली पकड़ने वाला स्टेज नहीं ये स्टेज वो है कि आपने जब दो स्टेज की स्टडी पूरी कर ली तब अब हमारा वाला ये फॉर्मूला को अपनाइए रेगुलर क्लास में मैं फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज खुद इसीलिए मैं क्लास का मेरा टाइम पीरियड कितना लगता है सिक्स मंथ्स एक टू वर्ल्ड वॉर्ड का टॉपिक लेने में हमें छे, छे क्लास लगते हैं सिक्स टू सेवन क्लासेस लगते हैं अब यहां मैं एक क्लास में आपको ये चीजें बता रहा हूं तो जाहिर है कि या तो मैं बेसिक डिस्कस करूं या इस स्टेज का कर डिस्कस करूं तो मैंने इस स्टेज को चुना है खैर anyway, तो मेरा ये पॉइंट ये है मैं इसलिए बार बार आपको इस चीज पर नजर डाल रहा हूँ इस चीज को समझिए और इस चीज को अगर नहीं समझ सकते हैं थोड़ा सा आप बेसिक स्टडी कर लीजिए फिर ये बातें आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी पश्चिमी सभ्यता की विरासत द लीगेसी ऑफ सिविलाइजेशन हम यहीं से देखना शुरू करेंगे कि पहले पश्चिमी सभ्यता की विरासत क्या रही और पश्चिमी सभ्यता की विरासत में विरोधाभास कैसे उत्पन्न हुआ तो इस क्रम में फ्रॉम इनलाइटेनमेंट टू फ्रेंच वॉल्यूशन जैसे आपका सिलेबस वैसे मैं आपको बताऊं कि आपका सिलेबस शुरू होता है प्रबोधन से लेकिन बच्चों को मैं प्रबोधन से नहीं पढ़ाता मैं बच्चों को थोड़ा सा एंसियंट यूरोप से परिचय कराऊंगा थोड़ा सा आप लोगों को भी निर्देश दूंगा कि आप लोग एनशियंट यूरोप से जो खुद से कर रहे हो और मेडिवल यूरोप की थोड़ी सी समझ डेवलप कर लीजिए देन इट इज इसेंशियल फॉर यू

आपको समझना राष्ट्रीय राज्य का उद्भव तीस वर्षीय युद्ध ये टॉपिक की समझ पहले लेकर और तब आप अपने सिलेबस प्रबोधन पर आइए मुझे लगता है बीपीएससी में आपके सिलेबस में भी है ये जो फर्स्ट पार्ट है तो आप उसके बाद आप प्रबोधन पर आइए और प्रबोधन क्या है यह मिडिल क्लास वर्ल्ड व्यू है इसको समझिए फिर आप कैसे प्रबोधन से फ्रांस की क्रांति की तरफ जाते हैं तो तो यू कम टू फ्रेंच आपको ऐसा लगता है कि फ्रांस की क्रांति में ये तीन प्रमुख विचारधाराएं उभर कर आई है एक विचारधारा है स्वतंत्रता लिबर्टी दूसरा एंड तीसरा इक्वेलिटी बहुत विचार है स्वतंत्रता स्वतंत्र मानव को स्वतंत्र करो अब ये स्वतंत्रता कितना ईमानदार है उसको देखें अब स्वतंत्रता है वो दो चीजों पर बल दे रहा है व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिस्पर्धा पर आधारित बाजार फ्री मार्केट बेस्ड ऑन कंपटीशन अब देखो बच्चे स्वतंत्रता तो है अब आप ही बताइए आप किसी जगह पर खड़े हो और कोई बहुत अच्छा खासा लेक्चर दे रहा है कि आप लोग यहां पर अव्यवस्था बंद करें और सभी लोग लाइन से आइए और फिर खड़ा हो जाए और कहे कि आप मेरे पीछे से आप लाइन लगाए तो आप क्या कहेंगे कि देखिए इसमें इसका सेल्फिश इंटरेस्ट है तो वेन एवर द मिडल क्लास इज फाइटिंग अगेंस्ट द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड एरिस्टोक्रेटिक क्लास लेकिन तो लिबर्टी का मतलब न्यून वर्ग की लिबर्टी नहीं थी उनकी अपनी लिबर्टी थी और लिबर्टी में कहते हैं फ्री कॉम्पिटिशन होने दीजिए क्योंकि इससे पहले जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार की मांग कर रहे थे कि हम हायर फैमिली से हैं हायर पेडिग्री से हैं हम नोबल फैमिली से हैं तो हमारे वी शुड बी गिवन द स्पेशल स्टेटस इन सोसाइटी तो उनका जितना डिमांड था वो डिमांड कहीं ना कहीं उनका एरिस्टोक्रेटिक या कुलीन तंत्रीय डिमांड था जो मानता था भाई भूमिधारी वर्ग है हमारे पूर्वज इतने महान थे मुझे भी आप लोग विशेष सम्मान दीजिए तो मध्य वहाँ पर मध्य वर्ग का कहना है कि नहीं प्रतिभा को आधार बनाइए मेक द बेसिस ऑफ टैलेंट और इससे पहले जो राजतंत्र हुआ करता था वो मार्केट पर कंट्रोल किया हुआ था और पूरे इकॉनमी को अपनी आंगली पर न चाह रहा था तो वही मिडिल क्लास ने डिमांड किया कि फ्री कंपटीशन होने दीजिए मैं आपको कैपिटलिज्म वाले में लेक्चर दे चुका हूं एडम स्मिथ प्लीज आप उस लेक्चर को देखिए तो ये हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बात स्वतंत्रता की करते हैं लेकिन इनमें बेईमानी है दे आर डिजोनेस्ट स्वतंत्रता केवल उनके वर्ग के लिए अर्थ रखता है फ्री कंपटीशन केवल उनके वर्ग के लिए अर्थ रखता है तो मैं आपको कहना चाहता हूं बच्चे कि वेस्टर्न जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज है उसमें शुरू से ही एक कॉन्ट्रेडिक्शन रहा विरोधाभास रहा दूसरे के लिए दूसरा स्टैंडर्ड और अपने लिए दूसरा स्टैंडर्ड तो ऑनेस्टी जो उनकी नहीं रही वो ऑनेस्टी अंत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में घटित होगी जो आप देखोगे प्रतिस्पर्धा पर आधारित बाजार फिर आप देखोगे हाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता पर व्यक्तिवाद है अब जैसे कोई समाजवादी होगा वो व्यक्ति को ज्यादा महत्व नहीं देगा वो कहेगा भाई व्यक्ति के अधिकार को अगर हम बढ़ा देंगे तो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमको समाज में निवास करने वाले जितने लोग हैं उनकी भी तो चिंता करनी है वी हैव टू टेक केयर ऑफ द पीपल हु आर जस्ट लिविंग इन सोसाइटी तो वो सामाजिक स्वतंत्रता की बात करेगा सोशल फ्रीडम की बात करेगा और जो व्यक्तिवादी होगा उसको इंडिविजुअलिज्म कहते हैं इंडिविजुअलिस्टिक वो केवल एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करेगा कि मैं प्रतिभाशाली हूं मुझे, मुझे आगे बढ़ने दो तो। अब जो प्रतिस्पर्धा पर, पर आधारित जो बाजार है वो पूंजीवाद की तरफ जा रहा है कैपिटलिज्म पर कैपिटलिज्म ओके इधर समानता का नारा दिया इक्वलिटी अवसर की समानता आर्थिक समानता नहीं इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी नॉट इन वेल्थ अब देखो मध्यवर्ग की चालाकी देखो समानता की बात करता है कहता है अवसरों की समानता इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबको समान अवसर मिलेंगे सबको यूपीएससी में छह चांस मिलेंगे लेकिन कोई दून स्कूल का प्रोडक्ट है कोई गांव के किसी स्कूल से पढ़ा हुआ है जिसके स्कूल में छप्पर नहीं है द रूफलेस स्कूल यू कैन सी और कहो भाई सबको समान अवसर है तो समाजवाद या मार्क्सवाद कहेगा यार ये समान अवसर क्या है तुम एक तुम इस वातावरण में पहले बढ़े हो तुम्हारे पिता ने तुम्हें कैपिटल दिया है वो बेचारा लेबर है क्या समानता होगी यहां पर समानता को भी उन्होंने अपने ढंग से परिभाषित किया और तीसरा देखते बंधुत फ्रेटर्निटी सामंती व्यवस्था का विघटन राष्ट्रवाद का उद्भव बंधुत का मतलब हम सब एक हैं अब हम सब एक हैं ये तो ठीक है लेकिन क्या आपने जो व्यवस्था का संचालन किया है वो आपके हित के अनुकूल है दैट इज गाइडेड बाई योर ओन इंटरेस्ट और योर क्लास इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पीपल तो बंधुत्व है ब्रदरहुड हम एक हैं लेकिन आपको हमारे झंडे तले एक होना होगा तो राष्ट्रवाद की जो भावना आई उसमें भी एक तरह से कह सकते हो कि वो भी इगैलिटेरियन नहीं तो खैर ये जो स्वतंत्रता समानता और बंधुत आया वो मिडिल क्लास के इंटरेस्ट के अनुकूल था उसमें ना तो महिलाओं को सम्मान मिला था उस समय और ना ही लोअर क्लास को इट वॉज अनजस्ट बेसिकली अब यहां पर हम आपको यह बताना चाहते कि एक हिस्टोरियन है ब्रिटेन के बड़े डिप्यूटेड 95 फाइव ईयर्स में उनका डेथ हुआ था 2012 में उनकी लगभग मैंने सारी रचनाएं पढ़ी है मार्वलस बुक्स उनकी होती थी एरिक हॉफबॉम उनका नाम है तो एरिक हॉफबॉम ने ये स्टेटमेंट श्टे, दिया था उन्होंने दो स्टेटमेंट दिया लॉन्ग नाइनटीन सेंचुरी एंड शॉर्ट ट्वेंटी सेंचुरी यानी लंबी उन्नीसवीं सदी और छोटी बीसवीं सदी तो लंबी सदी से क्या मीन करते मैं आपको बताना चाहता तो पर नीचे हमने दिया दिया है कि कि इस सदी ने इतनी जटिलता को अंत अंत में इसका अंत से हुआ। हूं इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब वो बताते हैं कि देखो ये लंबी उन्नीसवीं सदी इसलिए है कि उनका तर्क क्या है कि एक्चुअली तुम सदी बोलते हो तो मैं समझा दो कई बार बच्चे क्लास में चूंकि मैं तो बच्चों के बीच ही रहा हूँ प्रश्न करते हैं जैसे 19वीं सदी किसको कहते हो तो 1801 एक से शुरू होकर और अठारह तक हो गया तो उसको आप 19वीं सदी कहोगे 1900 तक भी काउंट कर लेते हैं कई लोग 1900 तक भी काउंट हो जाता है उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है लेकिन अठारह से शुरू होगा और ट्वेंटी सेंचुरी समय आप 2001 से 1901 से शुरू हो गए तो ट्वेंटी सेंचुरी हो गया। तो इसको लॉन्ग नाइनटीन सेंचुरी से उसका मतलब यह है कि 1801 से एक से शुरू हुआ लेकिन एक समाप्त कहां होता है यह समाप्त होता है 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ तो दिस सेंचुरी हैज कॉन्टिन्यूड फॉर Long 114 years. मतलब सेंचुरी, 114 का सेंचुरी है। और नाइनटीन नाइनटी वन में जब सोवियत रशिया का डिस इंटीग्रेशन हुआ सोवियत रूस का विघटन हुआ तो यह सदी समाप्त हो गई अब आप ही बताओ कितना टाइम रहा इस सदी का तो ये बेसिक उनका तर्क है तो बताते हैं कि 19 सेंचुरी में इतने कॉन्ट्रेडिक्शन यूरोप के विकास मॉडल में उभरे जिसको तुम यूरोपियन मॉडल कहते हो उसमें इतने अंतर इतने उभरे उभरे कि इस कॉन्ट्रेडिक्शन का निपटारा वर्ल्ड वॉर से करने का प्रयास किया गया यूरोपीय देश उस कॉन्ट्रेडिक्शन को दूर नहीं कर पाए अब देखिए कॉन्ट्रेडिक्शन क्या है तो पहले हम देखते हैं कि जब व्यक्तिवाद आया था तो बहुत अच्छा था लेकिन वह व्यक्तिवाद धीरे धीरे सामाजिक डार्विनवाद का रूप लेता चला गया अब बच्चों तुम लोगों ने तो याद नहीं रखा होगा या आप में से कुछ बच्चों ने याद रखा होगा बताना कि जहां पर मैंने मार्क्सवाद आपको पढ़ाया है वहां पर स्पेंसर से परिचय कराया था याद है आप अगर मेरे लेक्चर को देखो तो सारे लेक्चर को देखो मैं फिर कह रहा हूं हमारे लिए ये मायने नहीं रखता कि आप कितने लोग देख रहे हो हमारे लिए मायने रखता है कि कितने सीरियस लोग देख रहे हो सो प्लीज गो थ्रू द लेक्चर्स कुछ कम से कम सीरियस बच्चे सामने आओ और मैंने क्या कहा कि मेरा मकसद यह है कि पूरी आप चेंज करो अपनी सोच को और अपने आप को इस तरह से उतारो कि कल को आपके लोग सुने और आप जहां भी लिखो वहां पर एग्जामिनर को सोचना पड़े तो मैं यहां पर बताता हूं वहां पर मैंने आपको हर्बर्ट स्पेंसर और सामाजिक डार्मीन का जिक्र किया याद करो काल मार्क्स का कबर एक तरफ हर्बर्ट स्पेंसर का कबर सामने यह सामाजिक डारविनवाद क्या कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो प्रतिभाशाली है उसको आगे बढ़ने दो और कमजोर को मरने दो ये मैं नहीं बोल रहा हूं आप मुझे क्षमा करना ये हर्बर्ट स्पेंसर साहब बोल रहे हैं ये जो प्रचंड व्यक्तिवाद है ये कहोगे ये कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को प्रोत्साहन देगा तो ये कहता है कि युद्ध हमेशा लोगों को मजबूत बनाता है क्योंकि युद्ध से शक्तिशाली और भी शक्तिशाली होते हैं और कमजोर हट जाते हैं मीन्स की द वीकर एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी जस्ट विदर अवे एंड द स्ट्रोंगर्स आर मेकिंग एन एडवांसमेंट इन सोसाइटी सो दिस इज जस्ट लाइक अ प्यूरिफिकेशन इन सोसाइटी ये सोसाइटी को कहीं ना कहीं शुद्ध बनाती है ये सोसाइटी को स्वस्थ बनाती है हेल्दी बनाती है इसलिए तो हमको बताऊंगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले मैं आगे इसका फिर चर्चा करूंगा फिलहाल यह जान लो कि जो व्यक्तिवाद कभी व्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग के साथ शुरू हुआ था कि भाई सामंती जक्कर समय मुक्त करो मुझे व्यक्तिगत आजादी दो अब वह बन चुका है आप समझ सकते हो आपने कोई मूवी देखी होगी जो किसी गुंडे के अत्याचार से कोई शरीब बच्चा गुंडा बन जाता है लेकिन अंत में चलकर जब वो दादा बन जाता है तो वो दूसरे के लिए खुद कहर बन जाता है वही व्यक्तिवाद एक मुक्ति आंदोलन के साथ शुरू हुआ था जो सामंतवाद की जकड़ से व्यक्ति की बात करता था लेकिन आज ये खुद ही दादा बन चुका है आज वही मिडिल क्लास एग्रेसिव हो चुका है जो मिडिल क्लास कभी लिबरेटिंग फोर्स के रूप में काम किया था और क्यों हो चुका है उसका कारण आगे दिखेगा आपको दूसरा देखते तो राष्ट्रवाद जर्मनी के एक वो जो फ्रांस की क्रांति से ही राष्ट्रवाद निकला जैसे देखो मैं आपको बताता हूं जस्ट वन मिनट जैसे ये पहले ये मान लो यूरोप था अब यूरोप ऐसा तो नहीं है जस्ट उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं और क्या हुआ कि जब एक सामंती व्यवस्था थी तो ऐसे ये सामंतवाद एक ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए थे इधर चर्च व्यवस्था थी तो चर्च में रोम में चर्च का मुख्यालय था इसके ब्रांचेज पूरे यूरोप में फैले हुए थे पूरे यूरोप में फैले हुए थे तो यूरोप में एक तरह से तुम समझो तो अंतरराष्ट्रवाद था राष्ट्रवाद के वहां पर कोई गुंजाइश ही नहीं तो एक तरह का अंतरराष्ट्रवाद था तो वो जो अंतर्राष्ट्रवाद था उस अंतर्राष्ट्रवाद से धीरे धीरे जब सोलहवीं सदी में आकर यूरोप में कुछ एम्बिस किंग्स आए कुछ महत्वाकांक्षी शासक आए और उन्होंने राष्ट्र की सीमा स्पष्ट करनी शुरू कर दी उन्होंने राष्ट्रीय बाउंड्री खींचनी शुरू कर दी तो उन्होंने ऐसे बाउंड्री खींच के फ्रांस को जन्म दिया ऐसे बाउंड्री खींच के जर्मनी को जन्म दिया ऐसे बाउंड्री खींच के प्रसा को जन्म दिया इस प्रकार से बाउंड्री खींच के उन्होंने बेसिकली uh, स्विट्जरलैंड को जन्म दिया तो हम ये कहते हैं कि धीरे 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 ये रोप राष्ट्रीय राज्य में ढल गया लेकिन वह राष्ट्रीय राज्य राजा का राज था मैंने किंग वॉज मेकिंग द क्लेम ऑफ इट्स क्लेम ऑफ इट्स हेडशिप जैसे अब लुई फोर्टीन कहता है आई एम द स्टेट अब कहता है या आलोचक उसके मुख से कहलवाया कि मैं ही राज्य हूं तो ये था राजा का राष्ट्रवाद लेकिन जब फ्रांस की क्रांति आई उसी समय तुम देखोगे तुम में से कुछ लोग अगर रूसो जीन रूसो को जानते होगे रूसो ने जन संप्रभुता की अवधारणा दी तो रूसो के आगमन के साथ हो गया जनता का राष्ट्रवाद इट वॉज द पीपुल्स नेशनलिज्म क्योंकि अब शक्ति जनता में निहित है राजा में निहित नहीं, नहीं है ये तो जो राष्ट्रवाद की ताकत जो उभरी वो राष्ट्रवाद की ताकत यूरोप में आगे बदलाव लाएगी तो तीन विचार धारा होगी एक तो स्वतंत्रता की विचारधारा जो मानवाधिकार की बात करता है परंतु व्यवहार में मजदूर के हित की बात करता है इन बिहेवियर सेकेंड वन यू कैन से कि वही स्वतंत्रता बाजार की स्वतंत्रता की भावना के रूप में प्रतिफलित हुई जो औद्योगिक क्रांति को जिसने आगे चलकर जन्म दिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और तब कैपिटलिज्म पूंजीवाद आया वो भी मजदूर के हित पर आधारित था और तीसरा आया समानता की भावना तो ये तीनों मिलकर बनती है उदारवादी विचारधारा अभी भी एक विरोधाभास लगता है कभी-कभी तुम देखोगे एक व्यक्ति बहुत कृपण है बहुत माइजर है तो उसका नाम होगा दानी तो आपको आश्चर्य लगेगा लोग कहेंगे समाज में अरे दानी जी हैं ये और पता चलेगा कि नहीं भाई वो देख चवन्नी के भी चंद आने में हिचकते हैं तो द तो सेम थिंग इज हियर इसका नाम उदारवाद के अंदर से है ये अनुदार ये चेंज बहुत पसंद नहीं करता ये चाहता है कि सत्ता मध्य वर्ग तक रहे और मध्य वर्ग से सत्ता निम्न वर्ग के पास ना जाए ओके okay? तो ये इनका बेसिक मोटिव है कि द पावर शुड रिमेन अप टू द लेवल ऑफ मिडिल क्लास इट शुड नॉट परकुलेट टू द लोअर क्लास तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है तो अब यहां से आप देख रहे हो कि राष्ट्रवाद आया तो ये सब विचारधारा आई तो अब देखो आगे क्या होता है अब आप देखो जब राष्ट्रवाद आया तो मैंने आपको यहाँ पर बताया सामाजिक डाव इधर औद्योगिक क्रांति आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो ये सब परिवर्तन हो रहा है अब इन सभी परिवर्तन के बीच एक घटना हुई है जिसको कहते हो जर्मनी का एकीकरण तो अब जब जर्मनी अब मैं एक एक घटना बताता हूं कि यूरोप में विरोधाभास कहां कहां से आएगा पीछे थोड़ा मैं आपको ले चलता हूं देखिए ये मैप मैं आपको बना रहा था ये जर्मनी तो जर्मनी छोटे छोटे राज्य में विभाजित है और जर्मनी के जस्ट बगल में फ्रांस है मैं तो अभी मैप पर वैसा नहीं बना सका हूं अन्यथा जर्मनी जो पूरे जर्मन क्षेत्र को प्रसाद के साथ मिलाओगे तो जर्मनी वॉज गोइंग तो टू बी फॉर्मिडेबल इन साइज फ्रांस की तुलना में बहुत बड़ा साइज है उसका और जनसंख्या भी उसे कहीं ज़्यादा है लेकिन फर्क यही कि जर्मन क्षेत्र विभाजित है जर्मनी विभाजित है और यूरोप विशेषकर फ्रांस का प्रयास यह है कि जर्मनी का कभी एकीकरण ना हो जब एक आपको बताएंगे सोलह में सिक्सटीन में एक वेस्टफेलिया की संधि हुई थी जहाँ से राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा या शक्ति संतुलन की अवधारणा आई थी तो उसमें जर्मनी को जानबूझकर विभाजित रखा गया था क्योंकि फ्रांस भी चाहता था जर्मनी विभाजित रहे अब कौन चाहेगा अब सपोज़ करो तुम्हारा एक मंजिला मकान है उसके बगल में एक प्लॉट खाली है और जिस व्यापारी का प्लॉट खाली है वो कहीं ना कहीं शॉपिंग मॉल बनाने का इरादा रखता है कि मैं एक शॉपिंग मॉल खड़ा करूंगा तो तुम्हारी कोशिश होती है कि यार ये टलता रहे क्योंकि जिस दिन शॉपिंग मॉल खड़ा हो जाएगा उस दिन पता नहीं मेरी एक एक मंजिला कहाँ छुप जाएगी मुझे तो हवा और पानी तक नहीं मिलेगा तो वही हाल फ्रांस का हुआ पड़ा है कि अगर यह सोया हुआ शैतान जगेगा यूरोप में उथल पुथल मचा देगा तो इसलिए वेस्टफेलिया की संधि ने भी उसको विभाजित रखा था फिर वियना कांग्रेस ने भी उसे विभाजित रखा था कांग्रेस ऑफ वियना 1815 में आयोजित हुआ था तो उसका भी वर्डिक्ट यही था कि जर्मन क्षेत्र को उसने अड़तीस राज्यों में बांट कर रखा टोटल उनतालीस कहोगे प्रसाद को काउंट करोगे तो उनतालीस राज्यों में उसको थर्टी नाइन स्टेट्स जर्मनी व डिवाइडेड एवंग थर्टी नाइन स्टेट्स अब समस्या ये हुई कि फ्रेंच एवोल्यूशन से जो नेशनलिज्म निकला तो एक कहावत आप जानते हो कि खरबूजे को देख कर ही खरबूजा रंग पकड़ता है तो जब नेशनलिज्म का जब प्रोग्रेस हो रहा था तो उसमें दो तरह की समस्याएं आ रही थी जैसे मैंने जो आपको यहां पर यूरोप का मानचित्र बनाया है वहां पर आप तीन एम्पायर देखते हो रशियन एम्पायर देखते हो ऑटोमन एम्पायर देखते हो और ऑस्ट्रियन एम्पायर देखते हो ये तीनों पुराने साम्राज्य हैं ये इस ये पूर्वी यूरोप में बहुत विविध नस्ल वाले हैं अलग अलग नस्ल के लोग इसमें निवास करते हैं और जो संजोग से पश्चिमी रूप का जो क्षेत्र है वो अपेक्षाकृत उसमें सांस्कृतिक विविधता कम थी तो वहां तो राष्ट्रवाद सूट कर गया उसने अपना आधुनिकीकरण भी मॉडर्नाइजेशन भी कर लिया और राष्ट्रवाद वहाँ सूट कर गया क्योंकि वहाँ पर एक भाषा के रूप में जर्मन भाषा के आधार पर जर्मन राष्ट्र बना दिया फ्रेंच भाषा सॉरी अभी तो जर्मन राष्ट्र नहीं बना है सॉरी अंग्रेजी भाषा के आधार पर अंग्रेजी राष्ट्र बन गया फ्रेंच भाषा के आधार पर फ्रेंच राष्ट्र बन गया स्पेनिश भाषा के आधार पर लैंग्वेज के आधार पर स्पेनिश राष्ट्र बन गया समस्या इन साम्राज्यों के बीच आ रही थी कि यहाँ पर न कोई एक भाषाई समूह के लोग थे न कोई एक नर्स समूह के लोग थे सब अलग अलग और बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक विविधता थी तो एक समस्या इनको आनी है दूसरा जो जर्मनी विभाजित है वो एक ही भाषा समूह के लोग विभाजित हैं जब फ्रांस की क्रांति की लहर चली और जब राष्ट्रवाद की विचारधारा को नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे यूरोप में फैला दिया तो अब जर्मनी करवटें बदलने लगी एंड जर्मनी जस्ट मूव टुवर्ड्स यूनिफिकेशन हालांकि कांग्रेस ऑफ वियना और कंसर्ट ऑफ यूरोप ने तमाम प्रयास किए जर्मनी और इटली दोनों जर्मनी और इटली ये दोनों विभाजित था तो इन दोनों के एकीकरण रोकने के लिए तमाम प्रयास किए लेकिन जर्मनी और इटली दोनों संगठित होकर 1870 तक 1870 तक एक संगठित राष्ट्र हो गया जिसी समय जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसी समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिजरे ने कहा कि आह ये तो फ्रांस की क्रांति से भी भयानक घटना हो गई अब वाई अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रिटेन की फॉरेन पॉलिसी से अवगत कराना चाहूंगा फ्रांस की क्रांति से भयानक घटना हो गई दिस इवेंट इज मोर डेंजरस इवेंट इन फ्रेंच रेवल्यूशन इट वॉज द परसेप्शन ऑफ बेंजामिन डिजरेली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्यों क्योंकि उसको डर यह था कि इससे यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा अब देखो शक्ति संतुलन की धारणा क्या है ये ब्रिटेन देखो ब्रिटेन है इंग्लिश चैनल है हालांकि इतनी दूरी चैनल की नहीं है मैंने थोड़ा ज्यादा दूरी कर दी है मैंने पहले ही कहा है आपको तो इंग्लिश चैनल है ब्रिटेन उस तरफ है वो कटा हुआ है शेष यूरोप से तो ब्रिटेन यूरोप के महाद्वीपीय राजनीति में दिलचस्पी सामान्यतः नहीं लेता था ब्रिटेन वॉज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन कॉन्टिनेंटल पॉलिटिक्स इन यूरोप विशेषकर जब सेवन ईयर्स वॉर हुआ और उसने अपने दुनिया में एक बड़ा साम्राज्य पाया तो ब्रिटेन अपने ही साम्राज्य में व्यस्त रहता था वो अधिकतर यूरोप की तरफ नहीं देखता था यूरोप की तरफ वो तभी देखता था जब यूरोप में शक्ति संतुलन बिगड़ जाता था ओके okay? तो उसमें प्रॉब्लम क्या था ब्रिटेन को केवल डर यही होता था कि देखिए हम तो समुद्र में रूल कर रहे हैं अदर कॉन्टिनेंट में लेकिन अगर यूरोप में शक्ति संतुलन बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ गया ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से एक कॉन्सेप्ट आया था बैलेंस ऑफ पावर का मतलब होता था कि अगर ये कोई पावर बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया तो दूसरे पावर को दबा कर यूरोप में अपना डोमिनास स्थापित कर लेना अपना प्रभाव स्थापित कर लेगा और जिस समय यूरोप में वो डोमिनेंट होगा तब वो हमारी तरफ देखेगा समुद्र में और तब समुद्र में जाकर हमें खदेरेगा तो इससे बेहतर है कि यूरोप में हम किसी पावर को किसी भी देश को इतना पावरफुल ना होने दें कि उसका एम्बिशन ओशन तक जाए

अब तो बहुत मुश्किलें आ जाएगी क्योंकि एक अगर ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा तो यूरोप में वो समस्या आ जाएगी लेकिन बिस्मार्क जो जर्मन चांसलर था वो बहुत तेज तरार और चालाक था उसको लगा कि अगर हम दो चीज का पालन करेंगे तो ब्रिटेन से हमारी दुश्मनी नहीं होगी एक तो ब्रिटेन की एक ही कमजोरी है वो अपनी नौ सैनिक क्षमता को लेकर बहुत संवेदनशील है उसके पास अपना जो नेवल फोर्स है अगर कोई दूसरा कंट्री उसको चैलेंज करेगा नेवल फोर्स के मामले में तो फिर ब्रिटेन इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा इसलिए पहले ब्रिटेन को तुम चैलेंज मत करो नेवल फोर्स में उसका कहना यह था और दूसरा उसका यह मानना था कि कोई अगर दूसरे महाद्वीप में आप जाकर ब्रिटेन के मार्केट को चैलेंज करोगे तो ब्रिटेन बर्दाश्त नहीं करेगा इसलिए जब तक बिस्मार्क रहा वेन बिस्मार्क हिमसेल्फ एग्जिस्टेड तो उसकी कोशिश यही रही कि ब्रिटेन को ना छेड़ा जाए नॉट डिस्टर्ब ब्रिटेन और वो ब्रिटेन के साथ गुडविल बनाए रखा लेकिन जब उसके जाने के बाद जो विलियम कैसर आ गया उसने ब्रिटेन को चैलेंज करना शुरू कर दिया नेवल फोर्स के क्षेत्र में भी और मार्केट के क्षेत्र में भी तो दोनों के बीच अब समस्या आएगी और चूंकि जर्मनी इतना पावरफुल हो गया है कि ब्रिटेन एक वर्ल्ड वॉर लड़ेगा इसीलिए चूंकि 2015 में हमें याद है 2015 में या फोर्टीन फिफ्टीन हाँ, में एक अमेरिकन डिप्लोमेट है उनका नाम है हेनरी किसिंगर अभी भी जीवित हैं वो वो तो नाइन्टीज़ में चल रहे और वो निक्सन के समय वही चाइना पॉलिसी और प्रो चाइन जो उनकी पॉलिसी रही अमेरिका और चाइना को दोस्ती कराने में उन्हीं का रोल है आज भी उनसे पूछोगे तो वही कहेंगे चाइना से दोस्ती करे अमेरिका दोनों के हक में अच्छा होगा तो खैर एनी वे माई पॉइंट इज दैट उन्होंने एक बुक लिखी थी वर्ल्ड ऑर्डर टू में तो उन्हीं के बुक से प्रभावित होकर यह क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शक्ति संतरण को स्थापित करने के लिए लड़ा गया था तो खैर उस पर हम बाद में आएंगे पहले मैंने ये पॉलिटिक्स बता दी तो अब अब चलिए तो एक तो ये समस्या आ गई दूसरी समस्या आई यहां से जो राष्ट्रवाद चली तो अब ऑटोमन साम्राज्य बहुभाषा भाषी और सबसे बड़ी दिक्कत है ये मुस्लिम एम्पायर है और इसकी जो बहुत सारे पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन है जैसे इनके अंदर बलगान पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है ग्रीक पॉपुलेशन है यूनानी फिर अलवान पॉपुलेशन है रूम पॉपुलेशन है रूम जनसंख्या है तो ये सारी जनसंख्या क्रिश्चियन जनसंख्या है तो जो राष्ट्रवाद के प्रभाव में एक जनसंख्या विद्रोह कर रही है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए हमको पृथक राष्ट्र चाहिए राष्ट्रवाद का प्रभाव आया और यूरोपीय शक्तियां बार बार इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं इसलिए जो यूरोप का मरीज ये हो चुका है टर्की और कहा जाता है कि यूरोप के इस मरीज को न जीने दिया जा रहा था और न मरने दिया जा रहा था घिसट घिसट कर जीने के लिए मजबूर किया जा रहा था ही वॉज नाइदर अलाउड टू लिव नॉट टू डाई बट ही वॉज कंपेर टू लीड अ वेरी अ वेरी पैथेटिक लाइफ सो इट वॉज इन दिस सॉर्ट ऑफ एम्बिग्यूटी ऑफ यूरोपियन पावर्स और एम्बिग्यूस पॉलिसी ऑफ यूरोपियन पावर्स दे आर ले बालकन क्वेश्चन यूरोपीय देशों की यही दुविधाग्रस्त जो, दुविधा जो मन स्थिति थी उसी में बालकन समस्या नहीं थी जो फर्स्ट वर्ल्ड कारण हुआ था तो खैर एनी अब अब आपको तो आपने देखा यह औद्योगिक क्रांति अब क्या हो रहा है कि जर्मनी का एकीकरण हुआ अब जर्मनी का एकीकरण ने तीन प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया जो फर्स्ट वर्ल्ड ओर की तरफ यूरोप को ले जाएगा देखिएगा पहला है कि जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो जर्मन राष्ट्र का गठन हुआ इटली का एकीकरण हुआ तो इटालियन नेशन का गठन हुआ तो जब जर्मनी और इटली को सफलता मिली तो राष्ट्रवाद की भावना और भी तेज हो गई तो राष्ट्रवाद का एक प्रभाव हुआ कि राष्ट्रवाद अति राष्ट्रवादी हो गया अति राष्ट्रवाद का मतलब क्वाइट एग्रेसिव हो गया मतलब जिसको कहते हो अल्ट्रानेशनलिज्म राष्ट्र की महानता का गुणगान किया जाने लगा अब देखो जर्मन चिंतक में ही है तो हीगल के विषय में कहा जाता है ही आइडियलाइज नेशनलिज्म और उसी का विशेष रूप से यह स्टेटमेंट आता है कि द स्टेट और द नेशन इज द डिवाइन आइडिया ऑन अर्थ जो राष्ट्र है वह एक पृथ्वी पर एक दैविक विचार है तो राष्ट्र के प्रति लोग हर कुछ नछावर करने के लिए तैयार हो रहे हैं तो ये राष्ट्रवाद है सुपरा नेशनलिज्म है जो साम्राज्यवाद के रूप में व्यक्त हो रहा है जब राष्ट्र की महानता है तो जितना उपनिवेश बनाओगे उतना राष्ट्र की महानता सिद्ध होगी तो ब्रिटिश एक आधी रात में एक ब्रिटिश छाते लेकर अकर कर चलता कि हमारे साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता देर इज नो सनसेट इन आवर इम्पायर तो जर्मन लोगों ने भी काउंटर नारा दिया कि हमें भी सूरज के नीचे जमीन चाहिए वी ऑल्सो लैंड अंडर द सन अब नेचुरली है कि राष्ट्रवाद अति राष्ट्रवाद की तरफ चला गया तो अब तो टकराहट होनी है नंबर वन नंबर टू यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ जाना यूरोप का शक्ति संतुलन जब भी बिगड़ेगा बैलेंस ऑफ पावर तो मैं आपसे पूछूं सबसे अधिक कौन सा पावर चिंतित होगा जस्ट रिकॉर्ड जब भी यूरोप में शक्ति संतुलन बिगड़ेगा तो शक्ति संतुलन को बैलेंस ऑफ पावर को पुनर्स्थापित करने के लिए कौन आएगा तो ब्रिटेन आगे बढ़ेगा दैट इज द पॉइंट और थर्ड है आरंभिक इंसिपियंट नेशनलिज्म अब जो पूर्वी यूरोप के देशों में रशिया में ऑस्ट्रिया में विशेषकर ऑटोमन साम्राज्य में जो अलग अलग नस्ल समूह के लोग हैं वो अपने आप को पृथक राष्ट्र का मानने लगे हैं कि भाई मैं भी राष्ट्र हूं मुझे भी राष्ट्र बनाने दो तो वो वहां पर ऑटोमन साम्राज्य पर अल्पसंख्यक समूह का दबाव प्रेशर ऑफ माइनरिटी ग्रुप्स ऑन ऑटोमन एम्पायर उधर ऑटोमन एम्पायर तुम देखोगे कि जो बाल्कन क्वेश्चन में समस्या क्या हो रही है दो तीन में दो मिनट में इसको समझा देता हूं आपको वहां पर प्रॉब्लम क्यों आ रहा है जैसे बहुत सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उस उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस या नेशन बनाने की बात की तो वैसे तो ऑटोमन एम्पायर उसको दबा रहा था जैसे हैसवर्क साम्राज्य उनको दबा देता था रशियन साम्राज्य रशियन एम्पायर उसी प्रकार से ऑटोमन एम्पायर भी उन्हें दबा रहा था और दबाने की स्थिति में था लेकिन समस्या यह आती थी जो यूरोपियन पावर्स खुद उसमें हस्तक्षेप कर देते थे इंटरवीन कर देते थे और फिर उसे दबाव देते थे कि आप इसे आज़ाद कर दो थे तो ये समस्या आ रही इसलिए मैं देखोगे रूमानिया बन गया अल्बानिया बन गया बहुत सारे राष्ट्र बन गए नए नए बुल्गारिया ये सब ऑटोमन इंपायर से ही निकले अब रशिया उसके नजदीक है सबसे मैप पर तुम देख रहे हो ऑटोमन एम्पायर उधर काला सागर के उधर जाओ अब रूस तो रूस चाहता था कि एक तो ऑटोमन साम्राज्य पर दबाव डाल के काला सागर पर हम अपना वर्चस्व कायम कर ले और अगर रूस काला सागर में जाता था ब्लैक सी में तो ब्रिटेन को चिंता होने लगती थी क्योंकि वो ब्लैक सी से तुरंत मेडिटेनियन सी में आ जाता क्योंकि दो जल डमरूमद ऐसे थे उसका नाम था बॉस्कुरस एंड डार्डेलस जिस पर वो नियंत्रण करके वो स्ट्रेट यानी जल डमरूमध और वह भूमध्य सागर में आ जाता मेडिटेनियन सी में और अगर वो मेडिटेनियन सी में आता तो समस्या उसमें ब्रिटेन को यह होती कि उसको लगता कि यार क्योंकि इंडिया को लेकर वो वैसे भी ब्रिटेन बहुत पॉजिटिव बना हुआ था आप जानते हो और आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री में अगर देखोगे तो आप देखोगे सोवियत रशिया इंडिया में इधर अफगानिस्तान और परसिया रूट से भी घुसना चाहता था उधर अफगानिस्तान रूट से भी आना चाहता था सॉरी और अफगानिस्तान रूट से भी आना चाहता था उधर तिब्बत रूट से भी आना चाहता था तो ब्रिटेन को लगता था यार अगर ये भूमध्य सागर में आ जाएगा तो हमारा रास्ता इंडिया जाने वाला ब्लॉक कर देगा तो ब्रिटेन कहता था खबरदार आप भूमध्य सागर में नहीं आ सकते और दूसरी बात क्या थी एक और भी कि रशिया बार बार सबको प्रपोजल देता था कि ऐसा करते हैं कि चल के हम लोग ऑटोमन एम्पायर को आपस में बांट लेते हैं तो ब्रिटेन कहता खबरदार आप ऑटोमन एम्पायर को बांट नहीं सकते डिवाइड नहीं कर सकते हमको शेयर नहीं चाहिए क्योंकि फिर हमारा ईस्ट की तरफ जाने वाला मतलब बोलता नहीं था उसके मन में था कि बैलेंस ऑफ पावर यूरोप का बिगड़ जाएगा ऑटोमन एम्पायर को रहना है एक समस्या यह थी कि आपको मैं हैशवर्ग सामडा के बारे में एक चीज़ बताई है आपको याद होगा आप लोग थोड़ा मेंटली अलर्ट हो जाइएगा ये पॉइंट थोड़ा सा है फर्स्ट वॉल ओवर का इमीडिएट कॉज यही है तो इसलिए हल्का सा इसको आप समझ लोगे जैसे देखो हम अगर कहीं पॉइंट भी बनाते हैं लेकिन अगर स्टोरी हमारे पीछे में होता है तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है और सबसे बड़ी चीज़ की क्वेश्चन का ट्विस्ट अगर हमको करना है तो क्वेश्चन को ट्विस्ट देने में भी बड़ी सुविधा होती है उससे इसलिए मुझे लगता है कि हिस्ट्री में नेरेटिव तो बच्चों को पता होना ही चाहिए अगर नेगेटिव पता नहीं रहेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं सब्जेक्ट में फिर और नेगेटिव पता है तो ईजिएस्ट सब्जेक्ट है ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि अब नाउ रशिया का गेम प्लान को ब्रिटेन समझ रहा है अब एक उसमें समस्या ये आ रही कि उधर हैसवर्क साम्राज्य भी तो बहुभाषा भाषी बहु नस्लिय है मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीरेशियल तो उसमें भी अब कुछ रेस क्या है कि आधा रेस ऑटोमन एम्पायर में है और आधा सबसे पौप्ले, है उसका। तो उसका सलाव का एक भाग ऑस्ट्रियाई साम्राज्य में है यानी है उसको बोलते थे ऑस्ट्रियाई साम्राज्य को और एक भाग ऑटोमन साम्राज्य में है। और उसमें से कुछ निकल भी चुका है जैसे सर्बिया निकलकर अपना एक अलग राष्ट्र बना चुका है और रशियन एम्पायर तुम कहते हो तो रशिया में आज भी जिसको तुम रूसी गणतंत्र कहते हो वहां पर सलाव जनसंख्या ही कहीं, कहीं डोमिनेंस है तो रूस में जो रूस का एक तरह से समझो तो फिफ्टी दो तिहाई रीजन में सलाव ही सलाव हम स्थापित हैं तो रूस सलावों का सबसे बड़ा कंट्री है ओके और सर्बिया एक सलाव नेशन है और कुछ सलाव गुलाम बने पड़े हैं ऑस्ट्रियाई साम्राज्य में और कुछ ऑटोमन साम्राज्य में तो रशिया क्या करता है कि सर्बिया को पीठ थप थपाता है कि तुम एक काम कर शिष्य हमारे चेले तुम एक काम कर यू हैव टू फॉलो अ मेथड तुम यहां पर एक अखिल स्लाववादी मूवमेंट चलाओ कि हम सारे स्लाव जनसंख्या को मिलाकर एक विशाल स्लाव नेशन का गठन करेंगे तो अब उसमें क्या होता जब वो ऑल स्लाव मूवमेंट या पैन स्लाव मूवमेंट का नारा देता तो उधर ऑटोमन साम्राज्य के स्लाव अगर सक्रिय हो जाते तो इधर हैसबर्ग वंश हैसवर्ग साम्राज्य का जो स्लाव है वो भी बेचैन हो जाते तो अब ऑस्ट्रिया को लगता कि ऑटोमन इंपायर अगर टूटेगा तो मैं भी टूटूंगा ओके okay? और तब ऑस्ट्रिया समझ गया ये सब रसिया का गेम प्लान है इसी ने हमको बर्बाद करने की कोशिश की है तो रूस और ऑस्ट्रिया के बीच और चूंकि रूस का बहकाबे पर यह काम सर्विया कर रहा था इसलिए सर्विया और ऑस्ट्रिया के बीच घृणा और तनाव प्राकाष्ठा पर पहुंच गया था और यही वजह है कि वो हत्याकांड हुआ क्योंकि जूस बोस्निया और हरजे गोबिना जो स्लाव जनसंख्या वाला क्षेत्र था जिस पर ऑस्ट्रिया ने कब्जा किया था उसी बोस्निया की राजधानी सेराजेबो में ऑस्ट्रिया का राजकुमार आस्ड्यू फर्डिनेड घूमने गया था और भ्रमण पर गया था तो उसको एक ट्रेडिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैंड ने उसकी हत्या कर दी थी ये जून 1914 की घटना है, यही इमीडिएट फैक्टर बना था वर्ल्ड वॉर का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का और वो तो क्षेत्र जिसमें वो गया था वहां पर उस ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन को पोषित करने में किसका हाथ था सर्बिया का हाथ था तो इसी मुद्दे पर सर्बिया को चेतावनी दी अल्टीमेटम दी और फिर एक के बाद दूसरा पावर उलझते गए क्योंकि सब गुटबंदी में बंधे हुए थे एक उलझा तो उसका एलाइज उलझ गया एक उसका समर्थन देने वाला सर्बिया उलझा तो सर्बिया ऑस्ट्रिया में उलझा हुआ तो उधर जर्मनी ऑस्ट्रिया की तरफ से आ गया तो रशिया सर्बिया की ओर से आ गया और चूंकि फ्रांस पहले से प्रतिशोध की आग में जल रहा था वो, तो वो रशिया की तरफ से आ गया ब्रिटेन अनिर्णित रहा शुरू में फिर बाद में उसने निर्णय लिया और अल्टीमेटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को नहीं रोका जा सका तो मैं आपको यह बताना चाहता कि वो जो बाल्कन क्वेश्चन है वो बाल्कन क्वेश्चन में ही है ब्रिटेन की चिंता अलग है रूस की उसका स्वार्थ अलग है ऑस्ट्रिया की चिंता अलग है ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच तनाव का क्या कारण है तो बच्चों को यह पूरा चलचित्र की तरह होना चाहिए तो मैं आपको बता रहा हूं कि जर्मनी का एकीकरण ने क्या क्या समस्या को जन्म दिया तो साम्राज्यवाद को जन्म दिया शक्ति संतुलन को बिगाड़ दिया और फिर राष्ट्रवाद की चेतना को प्रोत्साहन दिया इस कारण से ऑटोमन साम्राज्य में बालकम समस्या उपस्थित हो गई अब इसी से जुड़ा हुआ औद्योगिक क्रांति औद्योगिक क्रांति किन समस्याओं को जन्म दिया इस पर आप नजर डालोगे तो मैं स्टूडेंट्स अब देखो ंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे एक तो मैंने जर्मनी चेकिंग प्रभाव अलग से बताया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अब नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द सेकेंड वन इश्यू दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में भी आपको जानना है कि आखिर औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार वर्ल्ड वॉर की स्थिति को पैदा की देखो, देखो। मध्य वर्ग का शक्तिशाली होना स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पोजिशन ऑफ द मिडिल क्लास औद्योगिक क्रांति ने दो काम किए

यहां पर देखने वाली बात यह है कि जब इधर मध्य वर्ग की जब प्रगति हुई तो मध्य वर्ग ने अपनी विचारधारा राष्ट्रवाद को बना लिया क्योंकि राष्ट्रवाद की विचारधारा एक ऐसी विचारधारा थी जिसके माध्यम से मध्य वर्ग कहीं ना कहीं वह मार्क्सवाद को काउंटर कर सकता था उधर जब औद्योगिक श्रमिक वर्ग आया जो मेरे मार्क्सवाद वाले लेक्चर में आपने सुना होगा कि उसने उनका जो एक्सपेक्टेशन हुआ तो पहले तो कुछ मॉडरेट सोशलिस्ट आए के बारे में मैंने बताया और फिर काल मार्क्स जैसा एक हार्डकोर थिंकर आ गया तो उसने एक बहुत ही एग्रेसिव सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को जन्म दिया जिसको मार्क्सिस्ट के नाम से जानते हो मार्क्सिज्म के नाम से तो जब मार्क्सवाद आया तो पूंजीवाद के लिए एक नया खतरा पैदा किया थ्रेट टू कैपिटलिज्म अभी जो थ्रेट टू कैपिटलिज्म है वो कैसे आगे बढ़ेगा उसका मैं उदाहरण आपको बताता हूं अब देखिए क्या समस्या है आप इसको ऐसे समझे उपर इस पर नजर डालिएगा बैकग्राउंड बैकग्राउंड मतलब पृष्ठभूमि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जो देखते हो अब इसमें आपको पता चल जाएगा एक आप देखते हो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी मैं इसमें इंग्लिश में लिख देता हूं उसमें तो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है क्योंकि कहीं इंग्लिश वाले ना समझे कुछ अगर इस तरह का यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी यानी आपको दिक्कत होगी जर्मनी का एकीकरण तो जर्मनी का एकीकरण का तो तीन प्रभाव आपने देखा एक प्रभाव क्या है दैट इज अल्ट्रा नेशनलिज्म अति राष्ट्रवाद अल्ट्रा नेशनलिज्म और दूसरा इम्बैलेंस इन पावर शक्ति संतुलन बिगड़ना इम्बैलेंस इन पावर और तीसरा फैक्टर आपने देखा बाल्कन क्वेश्चन बाल्कन समस्या जिसमें ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत जो अलग अलग अल्पसंख्यक समूह है वो पृथक राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो बाल्कन क्वेश्चन अब मैं यहां पर आपको यह बताना चाहूंगा कि दूसरा एक तो यह फैक्टर काम कर रहा है दूसरा फैक्टर है कि जैसे जर्मनी के एकीकरण के बाद राष्ट्रवाद आया जर्मनी के एकीकरण यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बाद राष्ट्रवाद आया मैं इंग्लिश में बोल देता हूं राष्ट्रवाद नेशनलिज्म नेशनलिज्म इमर्ज किया इधर औद्योगिक औद क्रांति औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का देखो एक इंपैक्ट क्या हुआ तो एक इंपैक्ट इसका आया हाँ। शक्तिशाली मध्य वर्ग शक्तिशाली मध्य वर्ग यानी स्ट्रेंथनिंग ऑफ द पोजिशन ऑफ द मिडिल क्लास मैंने इंग्लिश में पीछे लिखा हुआ है बच्चे और यहां पर आ जाएगा राष्ट्रवाद चूंकि वर्ग की विचारधारा है जब मध्य वर्ग शक्तिशाली होगा तो राष्ट्रवाद पर बल देगा और दूसरा आग आएगा बाजार अब बाजार के लिए प्रतिस्पर्धा मेरे पास जगह नहीं है शॉर्ट जा रहा हूं रायवली फॉर द मार्केट तो ये चला जाएगा साम्राज्यवाद की तरफ ये चला जाएगा साम्राज्यवाद इंपेलिज्म की तरफ और तीसरा इसका इंपैक्ट होगा हाँ। औद्योगिक श्रमिक वर्ग औद्योगिक श्रमिक वर्ग इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास औद्योगिक श्रमिक वर्ग औद्योगिक श्रमिक वर्ग आएगा इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास तो यह आ जाएगा मार्क्सवाद और मार्क्सवाद का बल किस पर है आपको पता है विश्व क्रांति विश्व क्रांति का मतलब है वर्ल्ड रेवोल्यूशन आपको मैंने जो मार्क्सिज्म बताया है जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा होगा प्लीज आप लोग मार्क्सिज्म पर जाइए वहां पर कार्ल मार्क्स ने नारा दिया वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट यू कैन से दुनिया के मजदूरों एक हो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में तो तो विश्व क्रांति की बात कर रहा था तो अब देखिए मार्क्सवाद से कौन लड़ सकता था विश्व क्रांति के आधार से तो राष्ट्रवाद मध्य वर्ग मजबूत हुआ तो राष्ट्रवाद है ये राष्ट्रवाद दोनों राष्ट्रवाद को जोड़ दो इस राष्ट्रवाद नेशनलिज्म वर्ल्ड रेवोल्यूशन से नेशनलिज्म लड़ सकता था तो मध्य ने बदले में नेशनलिज्म पर जोरदार नेशनलिज्म पर एग्रेसिव नेशनलिज्म पर बल दिया क्योंकि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट उसने नारा दिया तो व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ द मिडिल क्लास की नो वर्कर्स यू आर द फ्रेंच फर्स्ट सी द फ्रेंच फ्लैग हियर द फ्रेंच नेशनल एंथेम तुम एक फ्रेंच हो पहले तुम राष्ट्रीय झंडा देखो राष्ट्रीय गान सुनो तुम विश्व क्रांति में मत जाओ तो राष्ट्रवाद के माध्यम से उन्होंने जो काउंटर करने की कोशिश की तो राष्ट्र राष्ट्रवाद इसका रास्ता काट रहा है दूसरा कि चूंकि अगर मार्क्सवाद आया तो प्रत्येक इंडस्ट्रियल कंट्री में क्लास स्ट्रगल शुरू हुआ क्योंकि वर्किंग क्लास कॉन्सनेस आया उनमें धीरे धीरे रेवोल्यूशन की का कॉन्सियसनेस उनमें धीरे धीरे क्रांति की चेतना आने लगी तो अब एक समस्या इस समस्या का निराकरण यह था कि आंतरिक रूप से अगर तनाव है तो बाहरी मोर्चे पर आप उस तनाव को निर्यात कर दो मतलब दैट इज द स्ट्रेटेजी बाय ऑफ स्पेसिफिक गवर्नमेंट टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल फॉलो द एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी सो दैट कि द इंटरनल कंफ्लिक्ट शुड हैव बीन एक्सपोर्टेड आउटसाइड अगर यहाँ घरेलू मोर्चे पर बहुत ज़्यादा तनाव आ रहा है तो बाहर में अगर तुम एग्रेसिव जैसे पाकिस्तान को देखते हो स्ट्रेटेजी कि जब भी उसको कोई बहुत घरेलू समस्या आती है तो बॉर्डर पर इंडिया के साथ तो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ताकि पाकिस्तानियों का ध्यान इंटरनल मैटर से हट के एक्सटर्नल मैटर पर चले जाए ये तो बहुत कॉस्टली अफेयर है ना कई बार इसमें मामला उलझ जाता है ये जितनी कंट्रीज हैं कैपिटलिस्ट कंट्री उनकी मजबूरी है कि वो इंपेलिजम की तरफ जाए क्योंकि एक तो वर्कर्स का ध्यान घरेलू समस्या से हटाने के लिए अब वर्कर्स उसी महानता में जब हमारे साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता यह सुनकर ब्रिटिश वर्कर्स भी गदगद हो जा रहे हैं जबकि इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि इस साम्राज्य में उनका हक कितना है और जब जर्मन लोग नारा देते हैं कि हमें भी सूरज के नीचे जमीन चाहिए तो जर्मन वर्किंग क्लास भी एक्साइटेड है कि हाँ भाई हम जर्मन हैं एक जनरल ट्रपिज था उसने विलियम कैसर को समझाया कि आप अगर अपने यहां सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी की एक शाखा थी अगर आप उसके प्रोग्रेस को रोकना चाहते हो तो बेहतर है आप एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी पर बल दीजिए तो ये समस्या आई तो ये साम्राज्यवाद वाले को भी हाँ ये साम्राज्यवाद है इसको भी इधर ले रास्ता काटने के लिए ये जो जितने रास्ता काटने के लिए जा रहे हैं तो इससे इम्पियलिज्म को प्रोत्साहन मिलेगा एग्रेसिव इंडस्ट्रियलिज्म को प्रोत्साहन मिलेगा मार्क्सवाद का रास्ता रोकने के लिए और फिर उसी में वह एक्सीडेंट हो जाएगा जिसको कहते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और और भी फैक्टर्स उसमें जुड़ते चले जाएंगे बच्चे कौन से फैक्टर मैं बताता हूँ जैसे अभी मैंने डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत मैंने बताया तो उस समय तुम देखते हो यू विल सरप्राइज टू नो दैट कि एक, एक मैंने कहा जाता है कि जब ट्वेंटी जुलाई को ऑस्ट्रिया के गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हमें सर्बिया पर अटैक करना है तो मैटर ऑफ सरप्राइज वॉज दैट कि ऑस्ट्रिया में लोग खुशियां मनाने के तो लिए सड़क पर उतर गए थे और जब फोर्थ जुलाई को फोर्थ अगस्त को चूंकि ब्रिटेन पहले बड़ा फैसिलेट कर रहा था कि हम वॉर में जाएं या ना जाएं लेकिन जब जर्मनी ने बेल्जियम पर अटैक कर दिया और ब्रिटेन ने कहा कह रखा था कि भाई बेल्जियम की सुरक्षा की गारंटी हमारी है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तो फिर बेल्जियम के बिहार पर उसी मुद्दे पर वो वर्ल्ड वॉर में प्रवेश किया तो जब उसने बेल्जियम पर अटैक कर दिया तब ब्रिटेन ने जब डिसीजन लिया कि हाँ हम वर्ल्ड वॉर में जाएंगे तो ट्रफगल गलर स्क्वायर जो लंदन का था वहां पर चार मतलब चार लाख लोग एकत्रित हुए थे खुशियां मनाने के लिए बताइए वॉर क्राई चारों तरफ अच्छा अब आप कहोगे क्या फ्रेंच रिवोल्यूशन जैसा कारक भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है हाँ दे सकता है ना दो इंपैक्ट तो आपको साफ दिखेगा फ्रांस की क्रांति से राष्ट्रवाद निकला था नंबर वन दूसरा कि फ्रांस की क्रांति से पॉपुलर पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई थी पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स यूरोप में कब से शुरू हुआ फ्रांस की क्रांति से जब बास्तिल का पतन हुआ पीरिस की भीड़ ने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया तो अब जनता आंदोलित हो चुकी थी अब जो पीपुल्स है वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर चुकी थी तो जब जनता पॉलिटिक्स में हिस्सा लेती है उसका सवल पक्ष क्या है डेमोक्रेसी आती है बहुत अच्छी चीज है स्वागत करिए लेकिन वो एक डरने वाली ही बात कई बार हो जाती है क्योंकि जनता का दबाव सरकार पर बहुत ज्यादा होता है आप देखोगे कि जब रशिया ऑस्ट्रिया सब ने एक दूसरे को अल्टीमेटम दिया और जर्मनी और रशिया के बीच जब तनाव उभरा तो कोई भी सरकार पीछे नहीं हट सकती थी क्योंकि अगर कोई भी सरकार पीछे हटती तो उसकी जनता ही उस सरकार के विरुद्ध खड़ी हो जाती मतलब यही समझो कि अगर जैसे कभी चाइना और इंडिया के बीच स्टैंड ऑफ होता है तो चाइना तो चलो कुछ ऑटोक्रेटिक कंट्री भी है वहाँ पर तो डेमोक्रेसी नहीं है कि इंडिया में तुम देखोगे कि गवर्नमेंट अगर थोड़ा भी पीछे हटेगी फिर अपोजिशन कैसे बात करने लगते हैं पार्लियामेंट में देखते हो तो वहाँ पर भी तो अपोजिशन है तो बात कर रहे हैं और बताएंगे कि भाइयों आपकी गवर्नमेंट कमज़ोर है वो आपको राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिलवा रही है तो जनता है जो पब्लिक है पब्लिक वार क्राई ऐसा कर रही थी कि लोगों ने युद्ध करवाया उनको लगता था कि युद्ध से प्रगति होती है जो सेना जब फर्स्ट वर्ल्ड ओवर में जा रही थी तो लोग उसके शरीर पर फूल फेंक रहे थे और उन, उनको सम्मानित कर रहे थे लेकिन वही जब सेकेंड वर्ल्ड ओवर में वही सेना जा रही थी तो लोग अपने कमरे बंद करके रो रहे थे क्योंकि अब उनको वॉर का टेस्ट मिल मिल चुका था व्हाट इज द एक्चुअल इंपैक्ट ऑफ वॉर तो माय स्टूडेंट्स इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जब आप पूरे बैकग्राउंड करते हुए जब इस पर आएंगे तो नेचुरली आपके लिए ये सब क्वेश्चन मुश्किल नहीं रह जाएगी आप जब तब ये क्वेश्चन को देखेंगे 1914 तक पहुंचते पहुंचते यूरोप का रोग ग्रस्त व्यक्ति केवल तुर्की नहीं बल्कि स्वयं यूरोप ही था तो एक रोग निकालिएगा राष्ट्रवाद से दूसरा रोग निकालेंगे कि औद्योगिक क्रांति ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया और तीसरा रोग निकालिएगा कि सारे देश अपनी आंतरिक समस्या में वर्ग संघर्ष की समस्या से औद्योगिक देश जूझ रहे थे तो इसलिए अपने वर्कर्स का ध्यान बाहरी बातों के लिए हटाने के लिए एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को अपनाने के लिए मजबूर थे जनता का भी उन दबाव था जो भी सरकार पीछे हटती वो सरकार गिर जाती या वो सरकार के विरुद्ध जनता खड़ी हो जाती है या वहाँ क्रांति हो जाती तो इसलिए ये सभी रो रहे थे और समझ रहे थे हम वॉर में जा रहे हैं लेकिन हम वॉर में को रोक नहीं सकते हैं तो यही तो रोग क्रस्ट होना है हम डिजीज इसलिए नहीं होते हैं कि हमें कोई इंफेक्शन लगता है केवल जब उसका ट्रीटमेंट का कोई उपाय नहीं रहता है जब हम जानते हैं कि ये करने से इन्फेक्शन लगेगा और फिर भी हम करने के लिए मजबूर होते हैं और हमारे सामने उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता तब तो सही मायने में लोग रोगी होते हैं डिजीज होते हैं वही है यूरोपीय देशों के साथ घटित था तो यही चीज आपको वहाँ दिखानी थी जो कल कारण से नहीं दिखेगा बल्कि वो जो यूरोप का एवोल्यूशन हो रहा है या आपको इसके लिए लॉन्ग नाइन्टीन सेंचुरी का जो कॉन्ट्रेडिक्शन है वो भी जानना पड़ेगा और सेडान के युद्ध के साथ एक स्वामी ने खो दिया तो आप देखोगे कैसे क्रीमिया के युद्ध के बाद ब्रिटेन ने जो शक्ति संतुलन को स्थापित किया था और फ्रांस को उसके शीर्ष पर बैठाया था वो कैसे सेडान के वॉर के बाद टूट गया और फिर उसका झलक आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक हल्के दे दोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा या कहना ना कहाँ तक सही है कि प्रथम विश्व युद्ध आवश्यक रूप से शक्ति संतुलन के संरक्षण के लिए लड़ा गया था अब देखिए जैसे पिलियम्स का क्वेश्चन हो या मेन्स का क्वेश्चन हो क्वेश्चन का कोई भी एक एब्सोलूट आंसर नहीं होता इसलिए तो मैं बच्चों को हमेशा क्वेश्चन का आंसर करना सिखाता हूँ बच्चे इसके लिए बेचैन होते हैं कि सर हम कैसे हम पहले उनको नॉलेज देना चाहते हैं फिर क्वेश्चन आंसर बताना चाहते हैं क्वेश्चन के मूड को समझो यह कहना कहां तक सही है तो क्वेश्चन खुद बता रहा है कि बच्चे एक ही एक कारण है लेकिन इसी को सो एकमात्र कारण मत मानो क्वेश्चन ने हिंट कर दिया हमने भी हल्का मुस्कुरा दिया अगर वही क्वेश्चन में पूछते कि प्रथम बीजू शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए लड़ा गया था इस कथन की सोदाहरण व्याख्या कीजिए तो फिर हम हल्का मुस्कुराते अच्छा ये कह रहा है कि बाकी कारण मैं जानता हूं कृपया करके बच्चे तू इसको बताओ कि इसका क्या कारण है लेकिन उसने कहा इसके लिए इसका मतलब है कि यही एकमात्र कारण नहीं तो हमारा स्टैंड होना होना चाहिए कि यह शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए लड़ा गया था क्योंकि ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ी चिंता थी कि जर्मनी की शक्ति को पुनर्स्थाप यूरोप में मतलब थ्रो पुटिंग अ चेक ओवर द पावर ऑफ जर्मनी टू डी बैलेंस द बैलेंस ऑफ पावर इन इन यूरोप अगेन लेकिन और इसीलिए उसने इस युद्ध में उस एक महत्वपूर्ण कारक था परंतु यही एकमात्र कारक नहीं है क्योंकि अलग अलग देशों के अलग अलग हित थे अब जैसे कैसे तो फ्रांस के लिए या अपनी उस सीमा से बाहर निकलने का प्रयास था टू बी फ्री फ्रॉम द बॉटल नेक्स इन विच जर्मनी हैज प्लेस्ड इट आफ्टर द बैटल ऑफ सेडान उसको कहीं कही ना कहीं उस उस बंधन से बाहर निकलना था फ्रांस को जो ये फ्रांस को घेर रखा था जर्मनी ने और अकेला, फ्रांस से वो जीत नहीं सकता, अकेला जर्मनी से वो जीत नहीं सकता था इटली के लिए यूनिफिकेशन का विस्तार था ब्रिटेन के लिए शक्ति संतुलन पुनर्स्थापित करने का जरिया था तो रूस के लिए बालकन क्षेत्र में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने का एक प्रयास था और ऑस्ट्रिया के लिए अपने विघटन को रोकने का अंतिम हताश प्रयास था तो आपको वहां पर स्टैंड यह लेना होगा कि यह एक महत्वपूर्ण कारण अवश्य परंतु इसके साथ अन्य कारक भी जुड़े हुए थे तो इसके लिए आपको उन सबकी समझदारी चाहिए केवल एक कारण कारण परिणाम से इस तरह के क्वेश्चन को हल करना मुश्किल होता है अब इसमें जो कारण है तो ये तो खैर नॉर्मल कारण आपको दिया जिस पूंजीवाद ने यूरोपीय साम्राज्य को उसकी एकता प्रदान की आपसे अपेक्षा कर रहा है कि आप उसको यह बताइए किस प्रकार से जब सामंतवाद का विघटन हो रहा था पूंजीवाद तो ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया था और राष्ट्रवाद ने यूरोपीय देशों को आभासी एकता दी थी एक्चुअली आफ्टर दिसन ऑफ टू मॉडर्न नेशनलिज्म कुड प्रोवाइड स्टेबिलिटी एज वेल एज सोलिडेरिटी टू यूरोपियन कंट्रीज वही जो राष्ट्रवाद था उन्होंने उसको एकता दी थी लेकिन आगे चलकर जब वही पूंजीवाद साम्राज्यवाद में बदल गया और राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद में बदल गया तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर घटित हुआ अर्था तो अर्थात वही उनके विघटन का कारण भी बना तो वहां तक जाना होगा समझदारी से उत्तर देना पड़ेगा तो खैर अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि जब आप इसके बाद अब इसके बाद जब आप यहाँ आते हो इवेंट्स बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब घटित हुआ है तो इतनी घटनाएँ आपके आंखों के सामने कौदीती है बोसेविक रेवोल्यूशन इन रशिया इन 1917 सेवनटीन थ्रेट टू कैपिटलिज्म यानी 1917 में बोसेविक क्रांति हुई और कैपिटलिज्म को एक बहुत बड़ा चुनौती मिली पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस 1919 नाइनटीन वर्क एट ए जुडिशियल ट्रिब्यूनल आप लोगों ने पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में बहुत कुछ सुना होगा हम यहाँ उसकी चर्चा नहीं करने जा रहे हैं पॉसिबल भी नहीं है कि मैं एक एक टॉपिक आपको बताऊँ मैं तो आपको पास्ट एंड प्रेजेंट का रिफ्लेक्शन बता रहा हूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन ट्वेंटी नाइन इसकी चर्चा मैं आपको कैपिटलिज्म वाले में कर चुका हूं कि उसी समय वर्ल्ड अ नाइट मेयर फॉर कैपिटलिस्ट मॉडल कैपिटलिस्ट मॉडल के लिए नाइट मेयर था और राइज ऑफ़ फासिजम इन इटली एंड जर्मनी इतनी घटनाएं घटित हुई है दो वर्ल्ड वॉर्स के बीच और हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जिस तरह आपने प्रथम विश्व युद्ध के हमने सात कारण सामान्य कारण बताए थे उसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध के सामान्य कारण वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छह कारण मैंने दिए हैं एक औसत बच्चा या नॉर्मली जो इसमें यूपीएससी में जो क्लास में करवाया जाता है तो यही छह मुद्दे बताएंगे देखो बच्चों ये कारण था वो कारण था वो कारण था बट दे सामान्य कारण बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम केवल सामान्य कारण पर उनका उत्तर नहीं कर सकते जैसे वर्षाई की की कठोर शर्ती ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स अ वेरी टफ ट्रीटी जैसे 28 जुलाई को जब वॉर शुरू हुआ ग्यारह नवंबर को इलेवेंथ नवंबर नाइनटीन एटीन को समाप्त हुआ तो फिर जो विजेता पक्ष थे उन्होंने एक पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया लेकिन पीस कॉन्फ्रेंस क्यों कहते हैं इनको जुडिशियल ट्रिब्यूनल कहिए क्योंकि जो पराजित पक्ष थे उनमें पांच संधियां की गई और सभी एक से दूसरे बढ़कर कठोर शर्तें थीं सो तो बहुत हार्ड शर्तें थी और सबसे कठोर शर्तें किन पर आरोपित की गई जर्मनी पर आरोपित की गई तो फिर आप देखते हो ट्रिटी ऑफ वर्सेज एट ए वेरी टफ ट्रिटी दूसरा इटली का आक्रोश रिएक्शंस ऑफ इटली इटली के भी अपने कुछ ग्रीभांशेस थे वो फर्स्ट वर्ल्ड में पार्टिसिपेट किया था प्रथम बेयुद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से और इटली को कहीं ना कहीं लगता था कि वॉर के बाद हमें कुछ इनाम मिलेगा लेकिन उसके साथ विश्वासघात हुआ उसके अनुसार तो इसलिए इटली भी ग्रिव्ड है फिर आता है उग्र राष्ट्रवाद अथवा फांसीवाद का उदय कहा जाता है कि जो वर्साई की संधि जो टी ऑफ वर्सेल्स है वो कठोरता से थोपी गई जर्मनी पर तो उसकी प्रतिक्रिया में वहाँ नाजीवाद उभरा और इटली के साथ विश्वासघात हुआ तो मुसोलिनी के अंतर्गत तो वहाँ फांसीवाद उभरा फिर विश्व आर्थिक मंदी के द्वारा उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन इनकरेज नेशनलिज्म और फांसिज्म विशेषकर जब विश्व आर्थिक मंदी आई मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ कैपिटलिज्म वाले लेक्चर में तो उसने पूंजीवादी व्यवस्था की कमजोरी को उद्घाटित कर दिया इट एक्सपोज द द वीकनेस ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम और मैं आपको बता चुका हूं कि वही समय है कि सोवियत रूस इकोनॉमिक प्लानिंग के माध्यम से अपने आप को बचा लिया था तो दुनिया भर के जो विचारक थे उनका आकर्षण समाजवाद की तरफ होने लगा तो वैसी स्थिति में पूंजीवाद पूंजीवादी डर गए और उन पूंजीवादियों ने उन्हीं फांसीवादी ताकत का हाथ मजबूत किया जिसको आप नाजीवाद और फांसीवाद कहते हो और इटली और जर्मनी में क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ऐसा न हो कि सोवियत रूस का साम्यवाद हमारे यहाँ आ जाए तो उसे कौन रोक सकता है तो मुसोलिनी और हिटलर जैसा नेता रोक सकता है तो मंदी ने हिटलर और मुसोलिनी के हाथ को और भी मजबूत कर दिए और फिर देखते हो राष्ट्र संघ की विफलता फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस मतलब यूरोपीय देशों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन के विषय में सोचना शुरू कर दिया था और बड़ी शिद्दत से लीग ऑफ नेशंस को इंटरनेशनल पीस को स्थापित करने के लिए स्थापित किया था परंतु आप देखोगे कि इटली के मामले में जर्मनी के मामले में जापान के मामले में इनके आक्रामक नीति को इसका जो एग्रेसिव पॉलिसी है यही राष्ट्रसंघ पूर्ववस्था जिसको अभी आप यूएन कहते हो तो इनके आक्रामक नीति को रोक नहीं सका और इसलिए देखते हो कि अल्टीमेटली जो लीग ऑफ नेशंस है वो विफल हो गया तो ये लीग ऑफ नेशंस की विफलता भी, भी एक बड़ा कारण है और मित्र राष्ट्रों के बीच एकता का अभाव द एबसेंस ऑफ द यूनिटी एमोंग एलाइड पावर्स जैसे आप अगर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस देखोगे तो देखोगे उसका निर्धारक तीन महत्वपूर्ण देश थे एक ब्रिटेन और फ्रांस तो था लेकिन यूएसए से जो अमेरिका आया था प्रेसिडेंट विल्सन वो एक बहुत एक चीफ आर्किटेक्ट हो रहा था लेकिन अंत में यूएसए अपने कॉन्टिनेंट लौट गया और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच भी एक एकता नहीं बनी रह सकी दोनों के परसेप्शन में फर्क आ गया दोनों में डिफरेंसेस आ गया तो इसका फायदा भी फासीवादी ताकत को मिला और ये छः पॉइंट्स अल्टीमेटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाता है एक जब हम ये छः पॉइंट ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर में आपको इलेबोरेट कर देते तो आप कहते कि हाँ बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया आपने सेकंड वर्ल्ड वॉर के कान बताए लेकिन यह एक टिप ऑफ एन आइस वर्क ही है यह फिर एक सामान्य कारणों की व्याख्या ही है मैंने बस इतना किया कि आप बुक्स में पढ़ते हो तो आप उलझ जाते और हमने उसको एक जगह ला आपको एक पॉइंट पर दे दिया लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते हमें याद है नाइनटीन में आप सोचो एटी में आप क्या कर रहे थे पूछना भी बेकार है तो so, 86 में यूपीएससी में एक शॉर्ट नोट पूछा था अब वो शॉर्ट शॉर्ट नोट नोट देखो कितना स्टैंडर्ड था पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस पर द पीस मेकर्स ऑफ पेरिस कंफ्रंटेड एन इंटरनेशनल सिचुएशन इन बूटल रियलिटीज ऑफ हिस्ट्री वॉज द प्रोडक्ट ऑफ द रिडिट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड हिंदी में कि पेरिस शांति संस्थापकों को जिस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का सामना करना पड़ा था वह इतिहास की कूल यथार्थताओं में शक्ति संतुलन की अस्थायी पुनर्वितरण का परिणाम था अब इस तरह का क्वेश्चन जब आ जाता है तो ये सब पॉइंट रखे रह जाते हैं और उसका उत्तर नहीं मिल पाता है इसका मतलब है कि हमको अपना अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आगे आपको द्वितीय विद्युत के विषय में आलोचनात्मक समझ जो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड और सोचा कि थोड़ा आपको क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग किल्डरस्टैंडिंग डेवलप कर जाएगा बच्चे जब तुम पढ़ोगे तो फिर तुम उसके क्वेश्चन को तब तो कोई भी क्वेश्चन तुमसे बच नहीं सकता क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब यही होता है कि हम आंसर को क्रिएट करते हैं उसमें मिस होने का चांस ही नहीं है जैसे किसी ने अगर आपको एक ग्लास पानी दिया आप रोट लर्निंग करते हो तो कुछ तो भूलोगे तो पौना ग्लास होगा और तुमसे तो दूसरा रटेंगे तो वो आधा ग्लास होगा और क्रिटिकल थिंकिंग में अगर कोई आपको एक ग्लास पानी देता है तो आप उसको सवा ग्लास बनाते हो एक चौथाई और भी एडिशन करते हो तो, तो, तो दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग तो मैं आपको बताता हूं क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो बीस युद्धों को पृथक पृथक युद्ध में बांटकर देखने के बजाय इसे इकतीस वर्षों का युद्ध मानना उचित है इन प्लेस ऑफ लुकिंग इट एज द टू डिफरेंट वॉर बेटर इट शुड बी टेकन एज अ वॉर ऑफ थर्टी वन ईयर माई स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स केयरफुल अबाउट द फैक्ट कि ये विचार किसने दिया है एरिकॉफम नहीं दिया है कि आप दोनों वर्ल्ड वॉर को अलग क्यों मान रहे हो जो अट्ठाईस जुलाई उन्नीस सौ चौदह को शुरू हुआ वो पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ पैतालीस में जब हीरो और नागासाकी पर जब एटम बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा और जब जापान ने समर्पण किया था वहां पर जाके यह वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ है इट शुड बी टेकन एज द टू वर्ल्ड वॉर्स सॉरी टू स्टेजेज इन द सिंगल वर्ल्ड वॉर और जहां तक रह गई पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का तो इसमें तो ई एच कार ने बहुत पहले कह दिया था कि इट वॉज यू कैन से इसके बारे में एक है कि एन आर्मिस्टिस फॉर ट्वेंटी ईयर्स या बीस वर्षों का युद्ध विराम था तो प्रथम विद्युत का अधूरा एजेंडा अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अनफिनिश्ड एजेंडा इतना छोड़ा हुआ था जो मैं अरब क्षेत्र में तो चर्चा ही नहीं कर रहा अरब क्षेत्र में तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वर्ल वर का जो अनफिनिश्ड एजेंडा है वो आज तक चल रहा है कभी अगर हम अरब क्षेत्र पर आपका अगर मैंने टॉपिक बनाया पास्ट एंड द प्रेजेंट सीरीज में तो वह अभी बताऊंगा फिलहाल उधर मैं नहीं जा रहा मैं फिलहाल बता रहा कि अनफिनिश्ड एजेंडा क्या है अनफिनिश्ड तो एजेंडा पहला है शक्ति संतुलन के पुनर्वितरण के क्रम में जर्मनी पर कठोर शर्तें। इन कोर्स ऑफ रिबैलेंसिंग जर्मनी जर्मनी पर जो कठोर शर्तें आरोपित की गई, उसका एक वजह क्या था शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापित करना जैसे मैं आपको बताता हूं कि आप अगर पीछे जो मैंने आपको एक मैप के बारे में जो बताया था देखिए यही मैप था तो इसमें यह जर्मनी है तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को क्या किया गया था ऑस्ट्रियाई साम्राज्य को भी बांट दिया गया था और ऑस्ट्रिया से एक क्षेत्र चेकोस्लोवाकिया ऐसे निकाल कर बनाया गया था और इतना पार्ट चेकोस्लोवाकिया का जर्मनी को दे दिया गया था बताइए जर्मनी से निकाल के चेकोस्लोवाकिया को कर दिया गया और इधर कुछ हिस्सा जर्मनी काट के पोलैंड को दे दिया गया और इधर तुम देख रहे हो ये जो बेल्जियम वगैरह है सॉरी ये डेनमार्क है उसको जर्मनी का कुछ पार्ट दे दिया गया तो फ्रांस को चला गया तो अब जर्मनी को एक ईस्टर्न पर्सिया है वो इधर अलग कर दिया गया जर्मनी से तो जर्मनी को जो काटा छाटा जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है कि हम शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापित करें तो शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए जर्मनी को दोबारा काटा छाटा जा रहा है तो यह एक बहुत बड़ा कारण है और इसी कारण से तुम देखते हो कि जर्मनी पर कठोर शर्तें थोपी गई है और शक्ति संतुलन के पुनर्वितरण के क्रम में जर्मनी पर कठोर शर्तें इन कोर्स ऑफ रिबैलेंसिंग द पावर इन यूरोप टफ टर्म्स ऑन जर्मनी दूसरा अल्पसंख्यक समूह की राष्ट्रीय आकांक्षा अधूरे रूप में पूरी नेशनल एस्पिरेशन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स वॉज पार्शियली एड्रेस्ड अब यहाँ पर भी मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा जैसे पीछे मैंने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के बारे में एक बात आपको बताया था याद करिए जैसे देखिए ये जो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य है तो इसमें बहुत अल्पसंख्यक समूह थे इसको कहते हैं बहुत सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स तो ये बहुत सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स उसमें थे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले उन लोगों ने बहुत स्वतंत्रता की मांग की थी तो विल्सन महोदय जो आए थे वो विल्सन महोदय ने ये कहा था कि देखिए इन लोगों को अगर हम राष्ट्रीय आकांक्षा को तुष्ट कर देंगे और सबको पृथक पृथक राष्ट्र बनाने देंगे तो शांति आ जाएगी यूरोप में और फिर वॉर नहीं होगा तो इसमें क्या हुआ था कि इधर चेकोस्लोवाकिया को एक अलग राष्ट्र बना दिया गया इधर ही को शलाविया को एक अलग राष्ट्र बना दिया गया फिर ऑस्ट्रिया को अलग कर दिया गया और उसके बाद हंगरी को एक अलग राष्ट्र बना दिया गया एक में चेक और स्लाव थे दूसरे में स्लाव थे तीसरे में मग्यार थे और ऑस्ट्रिया में बाकी जर्मन था तो जब ये राष्ट्र बन रहा था तो अगर ईमानदारी के साथ वो बनाए होते तो समस्या नहीं आती समस्या ये हुई कि उनके मन में बेईमानी यह आ गई कि अगर जर्मनी को भविष्य में जर्मनी के उत्थान को रोकना है तो जर्मनी के पड़ोसी राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना होगा और अगर जर्मनी के पड़ोसी राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना है तो फिर एक नस्ल के लोगों को दूसरे नस्ल के लोगों से मिलाना होगा तो कहने के लिए तो इन्होंने अलग अलग नस्ल के लोगों को अलग अलग राष्ट्र दिया परंतु चेक के साथ मंगयार को मिला दिया स्लाव के, तो आपन के, तो के, तो के, के साथ रूथेंस को मिला दिया तो जो अलग अलग भाषा भाषी समूह के, के लोगों को एक में रख दिया इस कारण से उनका तनाव बना रह गया और उसी क्रम में जर्मन जनसंख्या को लेकर चेकोसवाकिया में रख दिया गया तो आगे चलकर हिटलर ने जब चेकोसवाकिया पर अटैक किया तो मॉरली ये डाउन थे क्योंकि इन्होंने तो गलती कर दी थी पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में तो मैं ये आपको बताना चाहता कि बेसिकली जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो मैं डिटेल्स में नहीं कह पा रहा हूँ सॉरी आप रेगुलर क्लास में जो देखो तो उसमें आप जैसे आप अगर पढ़ोगे कि किसी बुक में देख लेना तो आपको ये पता चल जाएगा कि उस समय हालांकि बुक में तो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा लेकिन हाँ कभी कभी न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह आते रहते हैं या मैं ही कुछ चीज़ें फिर ऐप पर या कुछ पर डाल दूंगा जिसमें मैं एक एक आर्टिकल्स में सोच रहा हूं कि कुछ कुछ ऐप पर डालता रहूं ताकि आपको रिटर्न भी कुछ मिल जाए और आप उसके साथ जस्टिस कर सको तो यहां पर चूंकि क्या होता है कि टाइम के कॉन्स्टेंट के कारण हर कुछ को डिटेल्स में हम नहीं कर सकते फिर लेक्चर ही बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है तो यहाँ पर मैं आपको जस्ट एक तरीका बता रहा हूँ तो इसको हम यह करेंगे अनफिनिश्ड एजेंडा में पूंजीवाद का अंतर्विरोध एक बार फिर प्रकट हुआ क्योंकि आपने पूंजीवाद का इतना नारा दिया लेकिन अंत में वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया मंदी आई और मंदी आई तो फांसी को प्रोत्साहन मिला तो आप युद्ध को तो रोक ही नहीं सकते थे तो अंतर विरोध तो उभर कर अंतरराष्ट्रीय संगठन में आपने लीग ऑफ नेशंस बनाया लीग ऑफ नेशंस को भी आपने एक तरह से टूथलेस बना दिया बिना ताकत के तो उसको भी फेलियर होना ही था जो फेलियर हो गया राजस्थान की विफलता हुई द्वितीय बीच जो सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 में घटित हुआ अब मैं आपको यह बताना चाहता कि इस कारण से सेकेंड वर्ल्ड वॉर घटित हुआ तो कोई पूछे कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर को घटित होने का क्या कारण था तो दो चीज क्रिटिकली आप ध्यान रखिएगा एक तो इसको हम अलग अलग नहीं देखेंगे इट वॉज़ ए वॉर ऑफ थर्टी वन नॉट द वॉर ऑफ फोर ईयर्स द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंडली कि इट वॉज द अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन दोनों इंटीग्रेटेड है और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस है ये दोनों दोनों के बीच लिंक बनाता है और बच्चे यहीं पर समस्या खत्म नहीं हुई आपने तो अपनी सुविधा से उसे वर्ल्ड वॉर कह दिया लेकिन क्या आप कोल्ड वॉर को वर्ल्ड वॉर मान रहे हो सच सोचिए जरा आप उसको भी वर्ल्ड वॉर का नाम देते अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ग्लोबल सिस्टम है वो चेंज कर गया ब्रिटेन यूरोप के पांच शताब्दी के सुप्रीमेसी का एंड हो गया और एक नया प्रोटेगोनिस्ट उभर गया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वो था यूएसए उधर सोवियत रशिया भी वर्ल्ड की वॉर के विभिषका से निकलकर एक सुपर पावर बन गया तो दोनों के बीच कोल्ड वॉर की स्थिति शुरू हुई अब बताओ बच्चे सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर्ल में जितने लोग मारे गए उससे ज्यादा लोग चार दशकों में जो कोल्ड वॉर चला दुनिया में उसमें लोग मरे और एक और भी बात है कम से कम वर्ल्ड वॉर में यूरोप का ज्यादा डिफास्टेशन हुआ अन्य महाद्वीपों की तुलना में लेकिन ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर था जिसको कोल्ड वॉर कहो कुछ आलोचक उसको थर्ड वर्ल्ड वॉर कहते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं इसमें लोग दूसरे कॉन्टिनेंट में मरे जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में पीस और स्टेबिलिटी रही और फोर डेकेड्स तक ये चले तो वर्ल्ड वॉर तो चलते रहे इनका तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का बेसिक वीकनेस ऐसा है कि कैपिटलिज्म है वो स्वार्थी है जम है वो दूसरी दिशा पकड़ लिया दोनों के बीच कोलाइजन होना था और उसमें पूरी दुनिया झोंक दी गई चार दशकों तक उसके आगे तुम देखते हो शीत युद्ध के बाद क्या होता है कि ये पूरी चार दशकों में शीत युद्ध सोवियत रूस के विघटन के साथ समाप्त होता है लेकिन बच्चे सोवियत रूस के विघटन के बाद शीत युद्ध तो समाप्त होता है लेकिन कौन सी समस्या आ जाती है उन चार दशकों में इन्होंने पूरी दुनिया में हथियार फैला दिए ग्लोबल मार्केट वॉर आप कह सकते हो कि वेपन्स वॉर वेपन्स अर्सेनल्स का पूरे दुनिया में मार्केट बन गए बहुत सारे सीक्रेट मार्केट बन गए और दूसरा कोल्ड वॉर के समय कैपिटलिस्ट कंट्रीज ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और दुनिया भर के संसाधनों की लूट की तो अब इसका दो परिणाम सामने आया हथियारों का बाजार और संसाधनों की लूट संसाधनों की लूट ने अरब वर्ल्ड में बेचैनी पैदा की और हथियारों के बाजार ने उनको हथियार पहुँचाए तो एक परिणाम हुआ आतंकवाद टेररिज्म और उधर दूसरा जो संसाधनों की लूट हुई उसने पर्यावरण संकट को जन्म दिया अब के जिसको कहते हो, पैदा हुए बहुत जगह पर वॉर सीरिया में देखो वॉर हुआ अरब कंट्रीज में अफ्रीका में हर जगह वॉर चल रहे वन ऑफ द रीजन इज द इन्वायरमेंटल फैक्टर तो जनसंख्या का अप्रवर्जन हुआ जनसंख्या के अप्रवर्जन ने भी अपने ढंग से आतंकवादी गतिविधियों को जम दिया ये जो माइग्रेंट पीपल है वो बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप को ज्वाइन करते हुए चले गए तो दुनिया में एक तरह से अब जो वॉर हुआ वह वॉर स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच शुरू हुआ है जिसमें पूरी दुनिया में कैजुअलिटीज हो रही है अब इसी बीच आया कोविड 19 क्या इसका भी रिलेशनशिप कहीं ना कहीं है इट वॉज इन्वायमेंटल जो इकोलॉजिकल इम्बेलेंस है इससे इसका भी कोई ना कोई रिलेशनशिप है इस पर ज़रा सोचिएगा और वॉर तो चल ही रहा है वर्ल्ड वॉर समाप्त कहाँ हुआ है पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर कोल्ड वॉर और अभी नॉन स्टेट एक्टर एंड टेरिज़्म एंड माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वायमेंटल फैक्टर ने भी टेरिज्म को अपने ढंग से प्रोत्साहन दिया है तो ये टेरिज़्म इतने लोगों को पूरी दुनिया में मार रहा है जितना वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर से भी कम टेरेबल नहीं है फ़र्क यह है कि दिखता नहीं है लाखों की भीड़ में वो खोए हुए चेहरे हैं जो वॉर्क कर रहे हैं जिनकी कोई धर्म नहीं है कोई संप्रदाय नहीं कोई जाति नहीं है जिनकी पहचान नहीं है एक ही उनका मकसद है टेरर फैलाना तो बच्चों अब हम फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं हमारा उद्देश्य आपकी समझ को विकसित करना है और जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया है कि एक हमारी कोशिश एक अगले वीक में मैं आपसे एक ब्रेक ले रहा हूँ सैटरडे को हाँ वेस्ट डे को मैं आऊंगा बुधवार को एक मॉडर्न हिस्ट्री का फिलिम्स का लेक्चर बचा हुआ है तो मैं वेस्ट डे को उसको पूरा करूंगा बट आई विल जस्ट अपियर अगेन नेक्स्ट सैटरडे मतलब इस सैटरडे को नहीं इस सैटरडे जो अब आएंगे उसको मैं एबसेंट रहूंगा उसके अगले सैटरडे आपसे मिलूंगा थैंक यू वेरी मच बहुत अच्छा रहा आप लोग भी सोचिएगा और थिंकिंग क्रिएचर बनने का प्रयास करिएगा मेरा मकसद पूरा हो जाएगा भगवान से Thank you.